हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट वाला माई सेल्फ सोनलाल गुप्ता एम बी फ्रॉम आई कालीकट एम टेक फ्रॉम आई कानपुर आज आप लोग के लिए लेके आऊ मैं अंटीना एंटीना को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ेंगे जिससे हमारा गेट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग एंटीना के बारे में कि एंटीना कितने तरह के होते हैं जो डाइपोल एंटीना के बारे में हम लोग देखेंगे देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडिएशन पैटर्न तो ये तीन टॉपिक में मैंने एंटीना को डिवाइड किया है आज फर्स्ट टॉपिक में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा आप सारा बेसिक पार्ट जितना ज्यादा हम लोग कवर कर सके और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सके तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं तो सब लोग एक बार बता दिए

क्या देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वह किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है तो यह हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना एंटीना होता है उसी तरह हमारा एक रिसीविंग भी होता है जो क्या करता है सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के लिए हमारा क्या करता है यहाँ पर सिग्नल किस फॉर्म में रिसीव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेस्पेक्ट में रिसीव करता है और उस सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एज ए ट्रांसमिटिंग एंटीना इट कन्वर्ट्स क्ट्रिकल सिग्नल इंटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब एंड इट इज इन द रेस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो अंटीना क्या होता है एक पैसिव डिवाइस होता है जो कि हमारा कन्वर्ट करता है किसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो सब लोगों को बातें समझ में आ गई क्या अब यहां पे सबसे पहले नाम होता है देखिए मैं यहां पे नाम लिखा हूं बहुत सारे नाम आपको आज बताने जा रहा हूं इसमें सबसे पहले कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को नाम में तो नाम को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं आप इसके नोटेशन पे मत जाइएगा हो सकता है कि मैं नोटेशन कुछ यूज कर रहा हूं जिसके लिए मैं यहां पे नोटेशन का नाम दूंगा वो नोटेशन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि मैं जो नोटेशन यूज कर रहा हूं शायद हो सके तो वो गेट के फील्ड में गेट वाले क्वेश्चन में जो आपको गेट के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको यह नोटेशन ना यूज हो रहा हो

पावर डेंसिटी या रेडिएटेड टाइम एवरेज पावर टू पॉइंटिंग फैक्टर का आपको अगर पूछेगा तो आप सीधा उसमें क्या ले जाइएगा वो पी एवरेज से आप डोनेट कर दीजिएगा या पी रेड से डिनोट कीजिएगा दूसरा हमारा होता है यू थीटा फाइव यू थीटा फाइव क्या होता है रेडिएटेड पावर इंटेंसिटी होता है इसका यूनिट क्या होता है वाट पर स्टे होता है और जो डेंसिटी का होता है वो वाट पर वो मीटर स्क्वायर होता है तो स्टेडियन में होगा तो यानी एंगल के फॉर्म में होगा एंगल या डायरेक्शन के फॉर्म में देखा जाएगा उसे रेडिएशन पावर इंटेंसिटी बोला जाता है या कभी कभी उसका नाम बोला जाता है रेडिएशन पैटर्न से भी बोला जाता है तीसरा हमारा नाम होता है इफेक्टिव सॉलिड एंगल अब यहां पे आप सॉलिड एंगल के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते होंगे तो यहां पे हम लोग आपको सॉलिड एंगल से स्टार्ट करेंगे तो इफेक्टिव सॉलिड एंगल को कैपिटल ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं जैसे ओम नहीं बोला जाता है ओमेगा बोला जाता है तो कैपिटल ओमेगा से हम लोग डिनोट करेंगे सॉलिड एंगल को नेक्स्ट हमारा होता है ठीटाई ठीटाई e. e जो होता है वो एज एलिवेशन एंगल बोला जाता है एलिवेशन एंगल या हाफ पावर हाफ पावर बिंबिरफ इन एलिवेशन प्लेन तो एलिवेशन प्लेन में जो हाफ पावर बिम्बर्थ होता है या हमारा होता है हाफ पावर एच क्या एलिवेशन एंगल भी बोला जाता है तो इसका नाम क्या होता है हाफ पावर बिम्बिर्थ या एलिवेशन एंगल भी इसका नाम दिया जाता है इसका यूनिट क्या होता है रेडियन होता है उसके बाद से अगर हम लोग नाम में जाए तो दूसरा हमारा होता है ठीटा एच या फाइ एच से निनोट किया जाता है ठीटा एच और फाइव एच क्या होता है हमारा ठीटा एच और फाइव एच होता है हमारा एजुम्यूथल एंगल या इसको बोला जाता है हाफ पावर बिम्बिथ इन एजुमुथल प्लेन तो हाफ पावर बिम्बिथ भी बोला जाता है या एजुमुथल एंगल भी बोला जाता है नेक्स्ट हमारा आता है या जी या जीडी से कुछ लोग डिनोट करते हैं मैं जैसे डी से डिनोट करता हूं हो सकता है कोई जीडी से डिनोट करे हो सकता है कुछ और से डिनोट किया जाए उसे बोला जाता है डायरेक्टिव गेन डायरेक्टिव गेन हम लोग आगे चल के निकालेंगे और डायरेक्टिव गेन से फिर हमारा आता है डायरेक्टिविटी जिसे मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन या डायरेक्टिविटी से बोला जाता है जो कि डिनोट से मैं डिनोट करता हूं

पच्चीस के आसपास नाम है कभी कभी मैं इसमें दो चार नाम और भी आगे चल के मैं ऐड करूंगा तो यहां पे आप लोगों को नाम से सबसे समझना है आप समझिएगा कि नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है उसके बाद से हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सॉलिड एंगल देखेंगे अब सॉलिड एंगल जो देखा जाता है वो कैसे देखा जाता थ्री डी में एंगल को देखा जाता है तो यहाँ पे सॉलिड एंगल जो होता है आप ध्यान दीजिएगा सॉलिड एंगल जो देखा जाता है वो कौन से देखेंगे किससे देखेंगे कौन से तो कौन से देखेंगे तो ये हमारा कौन हो गया जी सर अब इस कौन में हमारे

सॉलिड एंगल बोलते हैं तो यहां पे हमारा एक सॉलिड एंगल बनता है तो ये हमारा एक सॉलिड एंगल है इसे सॉलिड एंगल बोला जाता है अब सॉलिड एंगल क्या होता है सर सॉलिड एंगल जो होता होता है है वो हमारा होता है, ओमेगा से डिनोट किया जाता है और सॉलिड एंगल कैसे निकाला जाता है सर तो थीटा थीटा निकाला जाता है है जिसका नाम क्या होता इफेक्टिव सॉलिड एंगल नाम होता है तो इफेक्टिव सॉलिड एंगल हमारा यहां पर निकल गया उसके बाद से जैसे ही इफेक्टिव सॉलिड एंगल आ जाएगा तो फिर हम लोग इसमें हम बात करेंगे कि सर इफेक्टिव तो निकाल लिया क्या हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं सॉलिड एंगल जरूर निकाल सकते हो मेरे दोस्त कैसे निकालोगे

साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेट होगा और दूसरा पार्ट में हमारा डी फाई इंटीग्रेट होगा साइन थीटा डी थीटा कहां से कहां तक होगा जीरो से पाई तक होगा और डी फाई कहां से कहां तक होगा जीरो से टू पाई तक होगा जब साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन करोगे तो टू आएगा और डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो टू पाई आएगा यानी हमारा स्फेयर का एंगल कितना हो जाएगा फोर पाई हो जाएगा तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है क्या कि सॉलिड एंगल क्या होता है इस का तो आप क्या बोलोगे सर सॉलिड एंगल जो होगा वो स्फेयर का हमारा 4 पाई हो जाएगा गुड इवनिंग सतपाल कैसे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा तो स्पेयर का हम सॉलिड एंगल हम लोग निकाल सकते हैं कि जो कि स्पेयर का होगा कितना होता है का निकालने का। दूसरा सॉलिड एंगल जो एग्जैक्ट सॉलिड एंगल निकाल लोगे अगर आपको रेंज दिया होगा तो आप एग्जैक्ट सॉलिड एंगल निकाल सकते हो नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है कि सर चलो सॉलिड एंगल तो निकाल लिया अगर मान लो मेरे पास यूनिफॉर्म कौन हो कैसा कौन हो यूनिफॉर्म कौन हो यूनिफॉर्म कौन मतलब सर्कुलर कौन होगा कैसा कौन होगा जो ऐसे कौन होता है ना तो वो सर्कुलर होगा सर्कुलर होगा तो यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल हमारा बराबर होगा इस तरफ से एंगल देखो चाहे इस तरफ से एंगल देखो दोनों ही एंगल अगर सेम मिलेगा तो इन दैट केस हमारा जो इफेक्टिव सॉलिड एंगल हो जाएगा वो थीटा थीटा स्क्वायर स्क्वायर हो हो जाएगा e हो जाएगा मान अगर मेरा अगर मेरा यूनिफॉर्म नहीं हुआ इन दैट केस क्या हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म कौन नहीं हुआ इन दैट केस इन थीटा एच करेंगे क्या हमें ये कहीं यूज होने वाला है जी भाई साहब यूज होने वाला है कहां पे यूज होने वाला है सर सर ये हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग इसका डायरेक्टिविटी निकालेंगे जब हम लोग रेडिएशन पैटर्न का किसी रेडिएशन पैटर्न का हम डायरेक्टिविटी की बात करेंगे वहां पर ठीटाई e और ठीटाएच की बात करेंगे अब ठीटाई e क्या होता है है, जब हम रेडिएशन पैटर्न पढ़ेंगे तब हम ठीटाई के बारे में अच्छे से जान पाएंगे अभी हम केवल नाम से समझेंगे क्या होता है थीटाई? थीटाई होता है हाफ ऑफ द रेडिएशन पैटर्न इन

रेडियन मतलब एक रेडियन थीटाई का एक रेडियन

जा सकता है तो ये हमारा में में? डिग्री में होता है किसमें डिग्री में होता है स्टेडियन स्टेडियन को हमने किसमें कर दिया 180 डिग्री पर अपॉन पाई 1 रेडियन हो गया दूसरा 180 डिग्री अपॉन पाई 1 रेडियन हो गया यानी इसने आपने डिग्री में स्टेडियन को देख लिया तो ये स्टेडियन को देखने का बहुत अच्छा होता है बाबू चलो अच्छी बात है बाबू उसके बाद से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या होता है उसके बाद से अब हम लो के जाएंगे. के हम लोग लोग क्वेश्चन क्वेश्चन के के थ्रू थ्रू जाएंगे समझेंगे कि क्या कहानी है कैसे समझना है क्या देखना है तो क्वेश्चन क्वेश्चन के जाने के थ्रू थ्रू जाने हम लोग समझेंगे कि एक हमारा 2018 या 17 के आसपास में पूछा था वो क्वेश्चन क्या पूछा था मान लीजिए आपको गेट में हमेशा याद रखिएगा आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा और उससे पूछेगा कि रेडिएटेड पावर डेंसिटी क्या है उससे पूछेगा कि रेडिएटेड पावर इंटेंसिटी क्या है और उससे पूछेगा आपसे कि हमारा जो आने वाला है वो हमारा डब्लू नॉट क्या है रेडिएटेड पावर क्या है तो ये तीन चीजें आपसे अभी पूछ सकता है क्या क्या पूछ सकता है रेडिएटेड पावर डेंसिटी दूसरा क्या पूछ सकता है रेडिएटेड पावर इंटेंसिटी और तीसरा क्या पूछ सकता है आपसे तीसरा आपसे टोटल रेडिएटेड पावर पूछ सकता है एंड साथ साथ उसमें डायरेक्टिविटी भी पूछ सकता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन देखे आपसे चार चीजें पूछ सकता है क्या क्या डेंसिटी इंटेंसिटी और उसके बाद से हमारा टोटल पावर और हमारा डायरेक्टिविटी पूछ सकता है तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे वैसे वैसे सारे पॉइंट्स को समझते जाएंगे तो यहां पे मैं सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लेता हूं अगर मैं आपको समझ में आ रहा होगा तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है यह इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन एज एग्जाम्पल में गेट में आया हुआ है उसी उसी को मैं एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूं तो यहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मैंने क्या लिखा 100 बाई आर साइन थीटा लिखा और साथ में क्या लिखा हमने कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा आर इंटू ए थीटा खाप तो अगर मैं इसमें पूछूं कि आप क्या इससे कंफर्टेबल हो जी सर इसमें कंफर्टेबल हो तो बताओ क्या है हमारा तो बोलोगे सर इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा है अगर मैं पूछूं इसमें हमारा फेज कांस्टेंट कितना है तो फेज कांस्टेंट सर बीटा है और अल्फा कितना है सर अल्फा कहीं नहीं दिया था यानी जीरो है और किस डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है सर आठ डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है सर थीटा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरह मैं आपसे पूछू कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं यहां पर लिखूं तो पॉइंट अपॉन आर इन साइन थीटा और हमने क्या लिखा यहां पर लिख मेरे से पूछ सकता है कि सर पी रेडिएटेड क्या होगा यानी पी रेडिएटेड मतलब क्या होता है, होता है। और पी एवरेज निकालने के लिए तरीका क्या होता है सर तो पी एवरेज निकालने का तरीका होता है हमारा इन टू एच आर एम एस इन टू ए पी कैप और प्रोपेगेशन डायरेक्शन दिया जाता है अब हमें इसमें क्वेश्चन में, में डाउट क्या आएगी सर हमें ई आर एम एस निकालना है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि इसमें ई e नॉट निकालना भूल जाएंगे अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें ई e नॉट कितना है तो अगर आप पूछूं तो आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 100, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हंड्रेड बाई आर बहुत ही कम बच्चे बोलेंगे कि आर साइन थीटा सर ई e नॉट है तो हमारा ई e नॉट क्या है हंड्रेड बाई आर साइन थीटा जैसे आप लिखते हो ई नॉट ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एक्स कैप तो ई नॉट ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एक्स कैप लिखते हो वैसे ही ये लिखा हुआ है नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा आर ए थीटा कैप यानी ये वैल्यू जो है वो ई e नॉट है और कोसाइन फंक्शन है तो हम जानते हैं कि कोसाइन फंक्शन का आर वैल्यू क्या आता है डिवाइडेड बाय रूट टू हो जाता है यानी इसका आर वैल्यू हो जाएगा 100 बाई आर इन साइन थीटा और डिवाइड बाय रूट टू तो ये आपका आ जाएगा क्या वैल्यू आ जाएगा कितना वैल्यू आ गया आर एम एस का वैल्यू आ गया उसी तरह मैं आपसे पूछूं कि आपका एच नॉट क्या है तो आप बोलोगे सर एच नॉट जो है वो पॉइंट टू सिक्स फाइव डिवाइड बाई आर इंटू साइन थीटा है तो यानी हम लोग यहां पे ले लेंगे पॉइंट टू सिक्स फाइव डिवाइड बाई आर डिवाइड साइन थीटा और डिवाइड बाई रूट टू हो जाएगा तो ये आपका आ गया क्या ये आपका आ गया एच आर एम एस उसके बाद से मैं पूछू इसमें डायरेक्शन क्या है तो डायरेक्शन हमारा हो जाएगा ए आर कैप तो ये हमारा ए आर कैप हो जाएगा प्रोपेगेशन डायरेक्शन ए आर कैप में है बाबू आपको सब बता दूंगा बाबुल जो भी टॉपिक लास्ट में होगा ना तो मैं लास्ट क्लास में जरूर डिस्कस कर दूंगा आधे घंटे का टॉपिक है आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए अभी पढ़ाई करते हैं मस्ती से देखते हैं हम क्वेश्चंस को यहाँ से हम लोग अभी फ्लो नहीं तोड़ना चाहता इसीलिए मैं बोल रहा हूं चलिए तो स्टार्ट करें ई आर एम एस इंटू एच आर एम एस इंटू आर कैप हो जाएगा अब ई आर एम एस इंटू एच आर एम एस मान लो सर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड गेट के क्वेश्चन में दिया होगा तब क्या करोगे सर इन दैट केस में क्या करूंगा अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं ई आर एम एस स्क्वायर अपन ईटा इंटू कैप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो ई आर एम एस स्क्वायर अपन ईटा इंटू एपी कैप कर लेना तो इससे भी आपका आ जाएगा अगर बोलो कि केवल मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा तो सर क्या करोगे इन दैट केस एन ईटा इंटू एपी कैप हो जाएगा ये सारी चीजें हमने टाइम पॉइंटिंग वेक्टर में देखा है तो यहां से आप तीनों फॉर्मुला में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप बना सकते हो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिया है इसलिए मैंने दोनों को यूज करके बनाया तो ये अगर लिखने आ गया तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत आसानी से इसको देख लिया अब आपको क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आगे देखना है। तो 26.5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 26.5 डिवाइडेड बाय 2 13.25 हो जाता है यानी हमारा हो जाएगा 13.25 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ar कैप हो जाएगा अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या ये पी रेडिएटेड जो आया है ये किस पे डिपेंड कर रहा है तो आप बोलोगे सर इसमें हमारा डिपेंडेंसी जो है वो r पे है यानी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि एंटीना से

इस डायरेक्शन में इसका रेडिएशन बहुत ही ज्यादा है अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे तो आप 45 डिग्री पुट करके दिखा दोगे कि सर ये 45 डिग्री पे वन 1 टू टाइम्स छोटा है तो अगर मैं पूछूं जीरो डिग्री पे तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है 45 डिग्री पे 1/मैक्सिमम का हाफ है और 90 डिग्री पे सर मैक्सिमम है 135 डिग्री पे सर हमारा वन बाई हाफ है और अगर मैं पूछूं वन एट्टी डिग्री पे तो आप बोलोगे सर वन एट्टी डिग्री पे जीरो होगा यानी ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है दूसरा ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है तो सर इसे प्रैक्टिकली कैसे समझा सकते हो कि डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड कर रहा है हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डायरेक्शन पर कैसे डिपेंड कर रहा है जैसे देखो हमारा ये अंटीना होगा मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक मोबाइल कम्युनिकेशन की एंटीना रखा हुआ है अगर तुम यहाँ पे मोबाइल रखोगे तो आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा एंटीना का और अगर आप दूर चले जाओगे तो आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा एंटीना का यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको एंटीना का कम स्ट्रेंथ मिलेगा यानी आपको सिग्नल कम मिलेगा हो सकता है कि आपका आवाज कट के आने लगे हो सकता है आवाज आपका ब्रेक होकर आने लगे तो ऐसा आपका हो सकता है दूसरा आपका क्या हो सकता है कि आप अंटीना के पास रहोगे या अंटीना के डायरेक्शन में रहोगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा रेडिएशन और अंटीना के अगर ऊपर चले जाओ तो आपको रेडिएशन कुछ नहीं मिलेगा अगर इस डायरेक्शन चले जाओ तो रेडिएशन कुछ नहीं मिलेगा ये क्यों हो रहा है क्योंकि ये हमारा डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है तो कभी कभी आप देखते हो कि कि किसी घर के कोने में जाते हो और कभी अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हो तो हो सकता है कि क्या होता होगा कि आपका अलग कहीं दुनिया में वहां पर अंटीना का टावर नहीं मिलता होगा वहां पर टावर मिलता होगा तो एक कोने में

होगा तो ये आप देख सकते हो या E0 by H0 by root 2 होगा कोसाइन फंक्शन लेते हैं तो तो क्या बोल सकते कि वो जिस पे हमारा किस पर डिपेंड तो करता है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और साथ साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है उसे हम लोग रेडिएटेड पावर डेंसिटी बोलते हैं तो रेडिएटेड पावर डेंसिटी आप समझ सकते हो समझ गए देखो कुछ लोग मजाक भी ढूंढ लेते नहीं <laughs> अब हमारी बात आती है कि सर अब यहाँ तो आपने निकाल दिया अब इसके आगे सर क्या करोगे तो इसके आगे मैं डब्लू नॉट निकालूंगा डब्लू नॉट क्या होता है अब यहां से देखो डब्लू नॉट जो होता है वो पावर होता है और पी रेडिएटेड जो होता है वो क्या होता है हमारा पी रेडिएटेड जो होता है वो वाट पर मीटर स्क्वायर में आता है किस में आता है वाट पर मीटर स्क्वायर में यानी इसमें तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना होगा एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा अगर तुमने टोटल एरिया ले लिया तो टोटल पावर मिल जाएगा अगर सिंपल एरिया लिया तो सिंपल पावर मिलेगा तो तुम्हें टोटल एरिया लेना है तो टोटल पावर से मल्टीप्लाई करना होगा अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए पी रेडिएटेड किसना आया है तो आप बोलोगे सर पी रेडिएटेड 13.25 आया है डिवाइड बाय आर स्क्वायर और डायरेक्शन क्या है सर तो साइन स्क्वायर थीटा है किस डायरेक्शन में है सर ए आर कैप में है और एरिया क्या है सर तो एरिया ए आर कैप में आपको लिखने आना चाहिए आर स्क्वायर साइन थीटा साथ में डी आर डी डी थीटा एंड डी फाई होता है तो डी थीटा एंड डी फाई हो जाएगा इन टू ए आर कैप हो जाएगा और आर का वैल्यू कॉन्स्टेंट रखना जरूरी है जो कि तुम्हारा जो भी दिया हो उसके हिसाब से कांस्टेंट रख सकते हो तो देखा आपने यहां से निकाल लिया टोटल पावर बहुत आसानी से निकाल लिया सर अब इसको मल्टीप्लाई करके तुम क्या निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके तुम टोटल पावर निकाल सकते हो अगर आपको रेंज दिया है मान लो ये क्वेश्चन है इसमें आपका थीटा का रेंज फाइव का रेंज जो दिया है वो जीरो से पाई तक दिया हुआ है और थीटा का रेंज जो दिया है वो हमारा जीरो से पाई तक दिया है पाई तक दिया है तो अगर थीटा का रेंज से, तो तो ले से पाई तक दिया है तो पाई बाई टू तक ले लेंगे अगर थीटा का रेंज जीरो से पाई तक दिया है जीरो से पाई तक ले लेंगे अगर थीटा का रेंज दिया ही नहीं है तो जीरो से पाई ले लेंगे अगर फाइव का रेंज जीरो से टू पाई दिया है तो जीरो से टू पाई ले लेंगे अगर फाइव का रेंज जीरो से पाई दिया है तो जीरो से पाई ले लेंगे तो यानी फाइव का रेंज और थीटा का रेंज आपको वेरी करके दे सकता है हो सकता है कि आपको थीटा और फाइव का रेंज ना दे ऐसा भी हो सकता है। है। अगर रेंज दे दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया तब क्या करोगे? In that case, आप थीटा तो अपने हिसाब से ले लेंगे तो यहां पर दे सकते हो कि हम लोग किसके हिसाब से ले लेंगे तो चलिए आप लोग देखते हैं तो यहां पर हमारा ठीटा का रेंज सर जीरो से कहां पाई बाई टू तक लेना है और फाइव का रेंज कहां से कहां तक लेना है? जीरो से टू पाई तक लेना है चलिए सर हमने ले लिया तो कितना आ जाएगा सर तो थर्टीन पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल आर हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा और साइन क्यूब थीटा इन डी थीटा इन डी फाइव ये आ गया अब थीटा का रेंज हमारा जीरो से पाई बाई टू तक होगा और फाइव का रेंज जीरो से पाई तक होगा इसको आराम से निकाल सकते हो अब तुम कल कैलकुलेट करके अब मैं पूछूं इसमें ट्वेंट थर्टीन पॉइंट टू फाइव कॉन्स्टेंट है डी फाइव का इंटीग्रेशन टू पाई हो जाएगा सर तो ये तो आसानी से सर आपने कर लिया अगला सर बताइए क्या करेंगे तो ठीटा का रेंज लेंगे ठीटा कहाँ से कहाँ तक जीरो से पाई बाई टू तक और साइन ठीटा को साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर इंटू साइन 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 थीटा कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और साइन थीटा इंटू डी थीटा कर दिए अब यहां से मैं पूछूं कि साइन थीटा कॉस थीटा को तुम क्या मान लोगे सर कॉस थीटा को हम वन मान लेंगे कॉस थीटा को हम लोग क्या मान लेंगे एक्स मान लेते हैं तो कॉस थीटा को अगर एक्स मान लोगे तो हमारा माइनस थीटा कॉस थीटा क्या साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा डी के बराबर हो जाएगा सर जी सर अगर मैं थीटा का वैल्यू जीरो रखूं तो एक्स का वैल्यू वन आएगा थीटा का वैल्यू पाई बाई रखूं तो एक्स का वैल्यू जीरो

और dx जो हो जाएगा वो माइनस डीएक्स डीएक्स हो जाएगा अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो x का इंटीग्रेशन वन हो जाएगा और x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन वन बाई थ्री हो जाएगा यानी टू बाई थ्री हो गया तो थर्टीन पॉइंट टू फाइव इंटू टू पाई इंटू क्या हो जाएगा हमारा टू बाई थ्री अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने आपको आता ही होगा बावन एक त्रिपन फिफ्टी थ्री पाई बाई फिफ्टी थ्री पाई बाई थ्री हो जाएगा ये आपने वैल्यू निकाल लिया तो आपका वैल्यू किसका आ गया आपका पाटर पावर का वैल्यू आ गया यानी डब्लू नॉट आपने निकाल लिया तो डब्लू नॉट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि पी राइट को किसके साथ इन कर दो बाबू पी राइट को आप डी के साथ इंटीग्रेट कर दो तो आपको डब्ल्यू नॉट आसानी से निकल जाएगा तो यानी आपने एक डब्लू नॉट का फॉर्मूला देख लिया पी राइट के टर्म्स में क्या देखा यहां पे डब्लू नॉट का फॉर्मूला डब्लू नॉट इजिकल टू क्या होता है हमारा डब्लू नॉट इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी और यहां पे कौन सा डिस्टेंस डायरेक्शन में लोगे आर डायरेक्शन में तो आर स्क्वायर साइन थीठा डी थीटा डी फाइव एंड आर का वैल्यू जो भी दिया हो कांस्टेंट वो ले लेना यहां पे थीटा का रेंज जो दिया होगा वो थीटा का रेंज ले लेना फाइव का जो रेंज दिया होगा वो फाइव का रेंज ले लेना तो यहां से आपका डब्ल्यू नॉट आसानी से निकल जाएगा क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हुई डब्ल्यू नॉट निकालने में नहीं सर तो जैसे ही डब्लू नॉट निकल जाएगा तो आप क्या निकाल लोगे यहां से टोटल पावर निकाल लोगे अब टोटल पावर निकल गया तो सर हमारा अगला एम क्या होगा अगला एम होगा हमारा नेक्स्ट एम जो होगा वो नेक्स्ट एम क्या होगा बाबू हम लोग को

टोटल पावर को अगर हम सॉलिड एंगल से डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा इस हमारा मिल जाएगा

रेडिएटेड पर इंटेंसिटी निकालने के लिए सॉलिड एंगल से डिवाइड करते हैं ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आपको आएगी उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि हमारा डब्लू नॉट क्या होता है तो पीड आर कैसे होगा तो हो और सॉलिड एंगल का आप जानते हो, क्या होता है सॉलिड एंगल साइन थीटा डी थीटा और डी फाइव होता है तो सॉलिड एंगल आप जानते हो जी सर तो सॉलिड एंगल से आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा डी थीटा डी फाइव हो जाएगा तो यानी हम लोग इसमें u theta 5 में sin theta d5, d theta d5 को इंटीग्रेट करते हैं और यहां से आप देखोगे तो आपको u यू और p राइड में आपको वैल्यू निकल जाएगा आपको डाटा निकल जाएगा तो मैं पूछूं कि इसके बीच में और u थीटा फाइव के बीच में क्या रिलेशन है तो बोलोगे p राइड इंटू आर स्क्वायर यू थीटा फाइव के बराबर होता है यानी यहां पर आपने क्या देख लिया p राइड इंटू आर स्क्वायर जो होगा वो हमारा u u के बराबर होगा तो यहां पे थीटा भी आप निकालना गए आप w नॉट निकालना भी सीख गए तो ये सारी बातें आपने अपने अच्छे जहन में बैठा लिया जैसे ये पॉइंट को बैठा लोगे आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो देखो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और बातों को समझते हैं क्या देखेंगे बाबू कि हमारा पहला पॉइंट क्या क्या हमने सीखा मैं फिर से बोल रहा हूं जिसका बेसिक अच्छा होगा उसका एंटीना बहुत ही अच्छा होगा इसमें दो ही टॉपिक्स एंटीना में पूछा जाता है इसे पढ़ने के लिए तो दुनिया में हजार चीज एंटीना में रोज ही सौ एंटीना दो सौ पांच सौ हजार एंटीना बनता होगा लेकिन सारा एंटीना के बारे में हमें नहीं जानना है हमें जानना है कि एंटीना के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और एंटीना का रेडिएशन पैटर्न क्या होता है दो चीजों के हमें बहुत जानकारी लेनी है तो वही बात हमें यहां पे पढ़ना है तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बाबू पीर राइट पी राइट क्या होता है तो आप बोलोगे सर पी राइट निकालने का तरीका हमें पता है सर क्या है पी राइट का तरीका ये जानना आपको जरूरी है बहुत जरूरी है पी राइट जानने का तरीका कि क्या होता है ये जिस दिन जान जाओगे आपका काम हो जाएगा तो पी राइट निकालने का तरीका ध्यान देना बाबू क्या होता है ईटा इंटू ई स्क्वायर होता है और दूसरा क्या होता है हमारा आप फिर से इसको याद ही करा दूंगा आपको ऐसा याद रख जाएगा कि कभी दिक्कत नहीं होगी तो ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन ईटा होता है ईटा इन टू एच आर एम एस स्क्वायर होता है और साथ साथ हमारा दूसरा क्या होता है ई आर एम एस इंटू एच आर एम एस होता है तो यह आपने निकाल लिया क्या जी सर क्या निकाल लिया आपने आपने थीटा निकालने का पीरइड निकालने का तरीका देख लिया इसका यूनिट क्या होगा सर इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होता है चलो अच्छी बात है सर आपने यूनिट के साथ निकालने का तरीका समझा दिया फिर मैं पूछूंगा कि बताओ पी पीरियड और यू थीटा फाइव में क्या रिलेशन है तो यू थीटा फाइव और पी पीराइड में सर रिलेशन है आर स्क्वायर पीराइड इज इक्वल टू यू थीटा फाइव के बराबर होता है चलो अच्छी बात है फिर W नॉट निकालने का तरीका क्या है तो W नॉट निकालने का तरीका है पीरॉड को मल्टीप्लाई कर दो किससे एरिया से आर स्क थीटा थीटा और इसमें आर का वैल्यू क्या कर दोगे कांस्टेंट कर दोगे तो आपको निकल जाएगा दूसरा यू थीटा फाइव में क्या हो जाएगा पीराइड इंटू आर स्क्वायर यू थीटा फाइव के बराबर होता है तो यू थीटा फाइव साइन थीटा डी थीटा डी फाइव हो जाएगा तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हो उसके बाद से जैसे ही आपको W नॉट आ जाएगा तो आपसे पूछा आप जाएगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है तो सॉलिड एंगल आपको इफेक्टिव सॉलिड एंगल बताया हूं थीटा ई थीटा एच होता है और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सॉलिड एंगल अगर मेरा यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा सर तो यूनिफॉर्म होगा सर थीटा ई स्क्वायर होगा तो यह हमारा नॉन यूनिफॉर्म कोन के लिए होता है कैसे कोन के लिए होता है नॉन यूनिफॉर्म कोन के लिए और दूसरा हमारा क्या होता है कोनिकल बीम के लिए होता है और हमारा दूसरा किसके लिए होता है कोनिकल बीम के लिए होता है यूनिफॉर्म कोनिकल बीम के लिए होता है तो ये हमारा यूनिफॉर्म कोनिकल बीम के लिए हो जाएगा अब मैं पूछूंगा क्या ये हमारा आंसर ये हमारा जो वैल्यू निकाले हैं ये जो हमने सॉलिड एंगल निकाला है क्या ये एग्जैक्ट है नहीं ये अप्रॉक्सीमेट मेथड से निकाला जाता है तो ये कैसा मेथड होता है अप्रोक्सीमेट मेथड होता है ये अप्रोक्सीमेशन से ये निकाला जाता है तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड हो गया दूसरा हमारा सॉलिड एंगल अगर मैं पूछूं क्या आप सॉलिड एंगल एग्जैक्ट निकाल सकते तो जरूर निकाल सकते हैं ये डिफरेंशियल सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है और जब भी हमको सॉलिड एंगल निकालना होगा हम क्या कर देंगे, कर देंगे। थीटा और का अगर रेंज दिया हो, तो स्पेयर में, तो में आप सॉलिड एंगल तुरंत बताओगे कि सर फोर पाई के बराबर हो जाएगा तो देखा किसका सॉलिड एंगल निकाल एंगल निकाल लिया तो देखो आपने सारी बातें निचोड़ निकाल जो हमने इतना देर से पढ़ रहे थे ठीक है अब मैं आपको फिर से वही क्वेश्चन लेता हूं और बोलता हूं कि बताइए इसमें सारी डाटा आप निकाल सकते हो आसानी से निकाल सकते हो थोड़ा हम लोग फास्ट देखेंगे तो आपसे मैं फिर से पूछ रहा हूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया होगा हंड्रेड बाई आर फिर से आप कर लीजिए बाबू साइन थीटा याद रखिएगा ऐसा ही गेट में क्वेश्चन आएगा बस इसमें एक नया और चीज जोड़ देगा डायरेक्टिविटी जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे इसमें निकालना तो क्या हो जाएगा बीटा आर इन टू एटा कैप और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया तो ठीक है नहीं दिया तो मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है फाइ का रेंज जो दिया है वो क्या दिया है जीरो से टू पाई दिया है और थीटा का रेंज जो दिया है वो जीरो से पाई के बीच में दिया हुआ है पाई बाई टू के बीच में अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए पी पीराइड क्या होगा तो आप पी पीराइड आसानी से निकाल सकते हो क्या निकालोगे पी पीराइड सर ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन ईटा हो जाएगा तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है सर ई आर एम एस निकालना है ईटा निकालना है ए पी कैप निकालना है सबसे पहले आप बात करोगे सर ई आर एम एस कितना होगा तो हंड्रेड बाई आर इन टू साइन थीटा यह हमारा ई e नॉट हो जाएगा और इसको रूट टू कर देंगे तो हमारा ई आर एम एस हो जाएगा सर इसको रूट टू क्यों, क्यों क्या क्योंकि कोसाइन क्यों फंक्शन क्यों है कोसाइन फंक्शन का हमारा आर एम एस वैल्यू रूट टू

कि स्क्वायर को कर दोगे जी सर तो यहां से क्या जाएगा 13.25 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा हमारा इंटू ए आर कैप हो जाएगा अब यहां से मैं पूछूं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने आता है जी सर मल्टीप्लाई करने आता है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा थर्टीन और साथ में साइन स्क्वायर थीटा आर कैप डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है तो मैं पूछूं कि यू थीटा फाइव किस पे डिपेंड कर रहा है तो बोलोगे सर यू थीटा फाइव केवल डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और मैं पूछूं आपका डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है सर डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है तो डिस्टेंस मतलब आर पे डायरेक्शन मतलब थीटा पे और ये वैल्यू किस पे डिपेंड करता है तो केवल डायरेक्शन पे डिपेंड करता है फिर आपसे पूछा जाएगा सर डब्लू नॉट निकाल के दिखाओ तो डब्ल्यू नॉट भी आप निकाल लोगे कैसे निकालोगे यू थीटा फाइव को आप इंटीग्रेट कर दोगे किसके रेस्पेक्ट में साइन

का यहां से हमारा किसका वैल्यू आ गया u थीटा पाई का यहां से हमारा किसका वैल्यू आ गया p रेट का ये सब चीजें स्मॉल स्टेप से आप बहुत कुछ सीख जाओगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 55 53 पाई बाय 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा तो 53 पाई बाय 3 आ गया ये यूनिट क्या हो जाएगा वॉट हो जाएगा तो यहां से आपने वैल्यू निकाल लिया अब अगला क्या क्वेश्चन होगा अगला टॉपिक अगला टॉपिक होगा आइसोट्रॉपिक एंटीना तो बताओगे एंटीना किसे बोला जाता है आइसोट्रॉपिक एंटीना उसे बोला जाता है जो हमारा आइडियल एंटीना हो अब आइडियल एंटीना क्या होता है सर आइडियल एंटीना एंटीना पॉइंट साइज होता है कैसा साइज का पॉइंट साइज का पॉइंट मतलब ये तो ये साइज साइज का एंटीना 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 को आइडियल बोलते हैं तो हमारा पॉइंट है अब मैं पूछूं कि चलो ये पॉइंट साइज का तो आपको दिख रहा होगा जी सर तो बताइए यह एंटीना को एज ए बल्ब एज्यूम कीजिए क्या एज्यूम कीजिए बल्ब और बताइए कि अगर, अगर बल्ब है तो ये किधर किधर लाइट देगा क्या ये एक डायरेक्शन में देगा सारे डायरेक्शन में देगा तो आप बोलोगे सर सारे डायरेक्शन में देगा मान लो आपने सौ वाट का बल्ब यूज किया और देखा तो इसको देखा कि आपका सारे डायरेक्शन में दे, दे, दे रहा है हमारा डाटा तो सारे डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में दे रहा है तो आप कहोगे सर ये हमारा चारों तरफ दे रहा है चारों तरफ मतलब स्फेरिकल रेडिएशन पैटर्न है इसका ये चारों तरफ हमारा रेडिएशन दे रहा है तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारा आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिका किस साइज का होता है हमारा आइसोट्रोपिक पॉइंट साइज का होता है दूसरा ये कैसा एंटीना होता है

ऑल डायरेक्शनल एंटीना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसा रेडिएशन पैटर्न इसका आता है अगर ये ऑल डायरेक्शनल है तो कैसा होगा तो सर अगर ये ऑल डायरेक्शनल है तो स्फेरिकल नेचर का होगा क्योंकि स्फीयर में ऑल डायरेक्शनल होता है इसीलिए इसका रेडिएशन पैटर्न स्फेरिकल होगा अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चलिए स्फेरिकल तो हो गया रेडिएशन पैटर्न तो बताइए इसका डेंसिटी क्या होगा मतलब इसका पावर के डेंसिटी क्या होगा इस रेडियस के स्फेयर पे तो आप आसानी से बता दीजिएगा सर इसका पावर डेंसिटी जो होगा इस रेडियस के फेयर पे डब्लू नॉट टोटल पावर हो गया बाई एरिया, फोर पाई आप मुझे कि माल मैं इस रेडियस को थोड़ा चेंज कर देता हूं अब रेडियस में ले लेता हूं आर टू अब इसके बाद बताइए कि आप क्या कीजिएगा सर तो मैं मान लो इसको आर वन रेडियस ले लिया और इसको आर टू रेडियस ले लिया तो इस केस में हमारा रेडियस ऐसा डब्लू नॉट अपन फोर पाई आर टू स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा आर टू रेडियस डिस्टेंस का हो गया अगर मैं पूछू आर थ्री डिस्टेंस पे क्या होगा तो फोर पाई आर थ्री स्क्वायर हो जाएगा तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका इंटेंसिटी क्या होगा इंटेंसिटी मतलब u थीटा क्या क्या होगा तो इंटेंसिटी के लिए आप क्या करोगे आपके पास दो ऑप्शन है कि टोटल पावर को आप सॉलिड एंगल से डिवाइड कर दो और आप जानते हो कि स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 होता है है पाई यानी हमारा टोटल पावर अपॉन फोर पाई हो जाएगा डब्ल्यू नॉट अपॉन फोर पाई हो जाएगा या दूसरा आप सर तरीका यह सोच सकते हो कि आर वन स्क्वायर इंटू पीराइड होता है तो आर वन स्क्वायर इंटू पीराइड करोगे तो डब्ल्यू नॉट अपॉन फोर पाई जाएगा और इस केस में हमारा क्या करोगे

बातें सारी लिखी है ये क्वेश्चन कुछ देर बाद बनाएंगे सबसे पहले हम लोग आइसोट्रॉपिक एंटीना देख लेते हैं उसके बाद से क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे से तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ आइसोट्रॉपिक एंटीना पॉइंट साइज एंटीना होता है ये हमारा आइडियल एंटीना होता है ये हमारा रेफरेंस एंटीना होता है ये हमारा रेफरेंस एंटीना होता है दो बार लिखा गया एस अंटीना होता है रेफरेंस अंटीना। ये हमारा और ये इसका रेडिएशन पैटर्न है अब अगला क्वेश्चन क्या है कि टोटल स्टेडियन स्पियर का फोर पाई यानी इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा डब्लू नॉट अपन फोर पाई और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डेंसिटी क्या होगा तो डब्ल्यू नॉट अपन फोर पाई आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर एंड आर थ्री स्क्वायर हो जाएगा और आपसे पूछा जाए अब कि इसका डायरेक्टिविटी क्या होता है आइडियल है वन होगा डायरेक्टिविटी इसका इफिशियंसी कितना होता है आइडियल है वन होगा इफिशियंस इसका पावर गेन कितना होता है आइडियल है वन होगा इसका पावर डेंसिटी तो ये सारी बातें आप समझ सकते हो कि इसका डायरेक्टिविटी वन होगा यानी आगे चल के अगर कभी मान लो हमको एंटीना के बारे में अं नहीं दिया है तो कौन सा एंटीना मान के सॉल्व कर लोगे आप आइसोट्रोपिक एंटीना मान के सॉल्व करने ना दैट मीन्स उसका डेंसिटी कितना ले लोगे आप डेंसिटी ले लोगे One. अगर उसका पूछा जाए कि सॉरी uh, उसका डायरेक्टिविटी कितना ले लोगे one. उसका गेन कितना ले लोगे लोगे उसका एफिशिएंसी कितना ले लोगे? तो ये आगे चल के आपको गेट के क्वेश्चन में लेना पड़ेगा तो याद रखिएगा कभी भी एंटीना का अगर डायरेक्टिविटी नहीं दिया हो तो कितना मान लोगे गए वन कभी भी एंटीना के बारे में नहीं पता है और आपको डायरेक्टिविटी भी नहीं पता है तो क्या ले लोगे वन दूसरा आपको गेन नहीं पता है तो वन अगर आपको नहीं पता इफिशियंसी तो वन यानी सारे डाटा को आप आइडियल मान के सॉल्व कर लेना तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फोर एन एंटीना रेडिएशन इंटेंसिटी इंटेंसिटी और डेंसिटी में क्या अंतर है दिसंबर में बाबू दिसंबर में लास्ट दिसंबर के लास्ट में हमारा स्टार्ट होगा आठ दस दिन की क्लास होगी चलिए रेडिएशन इंटेंसिटी क्या है तो रेडिएशन इंटेंसिटी के बारे में हम लोग देखेंगे तो रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है हमारा टाइम एवरेज रेडिएटेड पावर पर सॉलिड एंगल नहीं गलत बात है पिक रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया नहीं पिक नहीं लेते हैं टाइम एवरेज रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया डेंसिटी होता है तो पर यूनिट एरिया डेंसिटी होता है पर यूनिट सॉलिड एंगल इंटेंसिटी होता है यानी फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा ये गेट का सवाल है और देखो आपने गेट का सवाल को अच्छी तरह से समझ लिया और अच्छे तरह से टिक मार लिया पर यूनिट सॉलिड एंगल इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया हमारा डेंसिटी होता है तो टोटल पावर अपॉन होता है अब अगला क्वेश्चन देखो इसमें इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है इस क्वेश्चन में हमारा बोला है कि एक एंटीना है जो सरफेस फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा गया है कितना वाट पावर रेडिएट कर रहा है सर सर 200 सौ किलो वाट पावर रेडिएट कर रहा है अच्छी बात है कैसे यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्मली रेडिएटेड है लेकिन साथ साथ क्या बोला है स्फेरिकल बोला कि हमें स्फेरिकल बोला है सर हेमी है स्फेरिकल बोला है, सी बात है अगर एंटीना का धरती के ऊपर रखोगे तो कहां रेडिएट करेगा ऊपर रेडिएट करेगा धरती के अंदर थोड़े रेडिएट करेगा क्योंकि धरती तो ग्राउंड होता है तो ग्राउंड के अंदर थोड़े रेडिएशन जाएगा नहीं जाएगा तो यानी रेडिएशन हमेशा धरती में क्या जाता है ऊपर की तरफ जाता है कभी भी ग्राउंड के अंदर नहीं जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो हेमस्फेरिकल बोला है उसके बाद से क्या बोला आपसे बोला है कि टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर बताइए मतलब रेडिएटेड पावर डेंसिटी बताइए कि कितना होगा कितने डिस्टेंस पे 50 किलोमीटर पे तो आप ही बताइए एक एंटीना का सोर्स है और ये हमारा एंटीना हेमिस्फेरिकल रेडिएट कर रहा है तो बताओगे इसका डब्ल्यू नॉट हमें पता है इसका रेडियस हमें पता है तो बता सकते हो डेंसिटी क्या होगा तो सर डेंसिटी होता है टोटल पावर अपॉन एरिया एरिया कितना ले लोगे सर 2 पाई आर स्क्वायर और किस डायरेक्शन में रेडिएट करेगा तो सर आर डायरेक्शन में रेडिएट करेगा रेडियली आउटवर्ड इसका रेडिएशन होगा यानी एआर कैप हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व देखो डब्लू नॉट हो गया धरती के ऊपर रेडिएट कर रहा है तो फोर टू पाई आर स्क्वायर और किस डायरेक्शन में रेडिएट करेगा ए कैप में क्वेश्चन सॉल्व अब आपको डाटा पुट कर देना है आंसर आ जाएगा तो डाटा पुट करके आप क्या देखोगे बाबू डाटा पुट करके देखोगे यहां पे डब्लू नॉट अब मैं पूछूं डब्लू नॉट कितना है तो बोलोगे सर डब्लू नॉट हमारा 200 सौ किलो वाट है यानी टू इंटू टेन पॉल फाइव है अच्छी बात है सर और डिवाइडेड बाई टू पाई डिस्टेंस कितना है सर सर डिस्टेंस हमारा बहुत ही कम है कितना डिस्टेंस है सर डिस्टेंस हमारा पचास किलोमीटर ही तो है पचास किलोमीटर कौन सी बड़ी बात हुई यार 50 किलोमीटर यानी माइनस थ्री हो जाएगा कि हो हो जाएगा 3 हो जाएगा बहुत ही बड़ा वैल्यू आ गया यार हल्के में ले लिया था इसको तो मैं तो टू पावर थ्री आ गया अच्छी बात है टू पावर फाइव और टू पावर फोर टेन टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा अच्छी बात है तो 10 पावर फोर और टेंट फाइव फोर का एट हो जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा टू बाई टेन पा फाइव इंटू ट्वेंटी हो जाएगा तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा टू बाई फिफ्टी टू बाई फिफ्टी पाई यानी टू बाई ट्वेंटी फाइव पाई इंटू टेंड पॉल माइनस थ्री किस डायरेक्शन में ए आर कैप में अब यहां पे ए आर कैप दिया है जी सर लेकिन वाट दिया ही या माइक्रो वाट दिया है तो चलो इसको माइक्रो वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं माइक्रो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो सर क्या हो जाएगा माइक्रो वाट में हो जाएगा इसका वैल्यू थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी फोर्टी हो जाएगा तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्टी बाई पाई इंटू टेंड पॉर माइनस सिक्स वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा तब यहां से आप आंसर बता सकते हो क्या आंसर हो जाएगा फोर्टी पाई अपॉन फोर्टी अपन पाई माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर देखो कितनी आसानी से आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया बस आपको समझना है कि डेंसिटी पूछ रहा है कि इंटेंसिटी पूछ रहा है अगर इंटेंसिटी पूछता तो जवाब देना क्या करते इंटेंसिटी पूछता मतलब half sphere है। half sphere है मतलब हाफ हाफ है सॉलिड एंगल कितना होता उस होता उस केस में पाई यानी इसको किससे डिवाइड करते पाई से डिवाइड करके आप इंटेंसिटी निकालते तो इंटेंसिटी निकालते वक्त आप टू पाई से डिवाइड करोगे डेंसिटी निकालते वक्त आप एरिया से डिवाइड करोगे बस यही तो खेला है अगर ये समझ गया तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आप बना सकते हो आसानी से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या देखेंगे डायरेक्शन रेट डायरेक्टिविटी देखेंगे डायरेक्टिविटी समझने के लिए देखो हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं क्या होगा डायरेक्टिविटी समझिए ये, ये ये हमारा कॉन्संटीना है आप मुझे बताइएगा ये कौन यह कॉन्सेंटीना है तो बोलोगे सर ये आइसोट्रोपिक एंटीना है जिसका रेडिएशन पैटर्न ऐसा होगा अब बोलोगे सर ये कैसे समझ पाएंगे तो वैसे समझोगे जैसे हमारे साउथ इंडियन मूवी और इंडियन मुझी, बॉलीवुड मूवी में होता है तो साउथ इंडियन मूवी में क्या होता है रवि तेजा काम करते हैं रवि तेजा भाई साहब को जानते हो आप किक मूवी बनाया था तो आपने जानते होंगे उनको तो साउथ इंडियन मूवी में हमारे तेजा भाई साहब हो गए और इंडियन मूवी में बॉलीवुड मूवी में क्या हो गए सलमान भाई साहब हो गए तो सलमान भाई साहब और रवि तेजा भाई साहब की कहानी सुनाता हूं सलमान भाई साहब दबंग मूवी बनाएंगे जब दबंग मूवी बनाएंगे तो जब वो गुंडों की पिटाई करेंगे तो गुंडे क्या होंगे चारों तरफ जाएंगे मतलब हमारे सलमान भाई साहब आईसो ट्रॉफी कंटीना है वो चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे गुंडों का अगर हमारे रवि तेजा भाई साहब अगर मुक्का मारते हैं उतने ही स्ट्रेंथ के साथ जितने स्ट्रेंथ के साथ हमारे सलमान भाई साहब मारते हैं तो क्या होगा उस केस में होगा कि जब उस गुंडे को मारा जाएगा तो वो गुंडा बहुत दूर तक जाएगा और शायद हो सके तो दो दो, दो तीन गाड़ी पलट भी जाए दो तीन स्कॉर्पियो ऐसे ही उलट पलट जाए तो ऐसा भी हो सकता है जी सर तो मैं पूछूंगा कि हमारे सलमान भाई साहब ज्यादा डायरेक्टिविट है कि हमारे रवि तेजा भाई साहब ज्यादा डायरेक्टिव है तो आप बोलोगे सर जो दो तीन गाड़ी पलटा रहा है वही हमारा ज्यादा डायरेक्टिव है तो यही बात यहां पे है एक आइसोट्रोपिक एंटीना है उसका स्ट्रेंथ डब्ल्यू नॉट है एक हमारा जनरल एंटीना है उसका स्ट्रेंथ डब्लू नॉट है दोनों का ही स्ट्रेंथ डब्ल्यू नॉट है लेकिन एक, एक, एक डायरेक्शन में रेडिएट कर रहे हैं वही ज्यादा डायरेक्टिव है हमारा जो एक सारे डायरेक्शन में डायरेक्टिव दे रहे हैं वो ज्यादा डायरेक्शनल नहीं है तो यहां पे हमारा कौन सा भाई साहब होगा ये हमारे हो गए आइसोट्रोपिक भाई साहब और ये हमारे हो गए कौन से भाई साहब ये हमारे हो गए जनरल एंटीना जो भी एंटीना दिया होगा मान लो डायपोल एंटीना लेके चल रहे हैं तो कोई भी एंटीना जनरल एंटीना हो गया ये जो रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ किया जाता है वो किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया जाता है U theta phi के रिस्पेक्ट और U theta phi का, आ, का कितना आता है एंटीना का सर ये अगर डब्ल्यू नॉट रेडिएट कर रहा है तो डब्ल्यू नॉट अपन फोर पाई होता है तो ये हमारा हो गया आइसोट्रोपिक एंटीना का थीटा ठीटाफाइ दूसरा इसका भी रेडिएशन पैटर्न बनाया हो जी सर इसका रेडिएशन पैटर्न किसके हिसाब से होगा तो सर इसका रेडिएशन पैटर्न यू ठीटाफाई के हिसाब से होगा अच्छी बात है सर तो अब बताइए सर डायरेक्टिव गेन क्या होगा तो जो डायरेक्टिव गेन होता है वो होता है क्या यू ठीटाफाई मतलब रेडिएशन पैटर्न किसी एंटीना का किसके रेस्पेक्ट में आइसोट्रोपिक एंटीना के रेस्पेक्ट में क्यों क्योंकि हम आइसोट्रोपिक एंटीना के रेस्पेक्ट में ही बता पाए कि हमारा जनरल एंटीना ज्यादा डायरेक्टिव है तो यानी ज्यादा डायरेक्टिव कैसे बता पाओगे जब यू थीटा फाइव अपॉन यू नॉट थीटा फाइव से हम निकालेंगे तो हमें डायरेक्टिव गेन मिल जाएगा तो डायरेक्टिव गेन क्या होता है रेडिएशन पैटर्न ऑफ जनरल एंटीना Under, by of तो ये हमारा वैल्यू तो आ गया अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा जवाब दीजिएगा कि यहां पर हमारा वैल्यू क्या होगा तो यहां पर वैल्यू बोलोगे सर हमारा मैक्सिमम होगा यानी यू ठीटाई मैक्सिमम मिलने वाला है बहुत अच्छी बात है भाई आपने बहुत अच्छी बात बता दिया कि ये मैक्सिमम मिलेगा जी सर यहाँ पे इस रेंज में क्या होगा सर इस रेंज में हमारा जो यू थीटा फाई है वो हो जो होगा वो हमारा नॉट थीटा फाई से ये हमारा नॉट थीटा फाई है ना जी सर नॉट थीटा फाई से ज्यादा होगा सर अच्छी बात है सर नॉट थीटा फाई से ज़्यादा हुआ अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे क्या होगा तो इस पॉइंट पे बोलोगे सर कि हमारा जो यू थीटा फाई है वो टा फाइव के बराबर हो गया सर अच्छी बात है उसके बाद से अगर मैं पूछूं इस रेंज में क्या होगा तो इस रेंज में बोलोगे सर कि यू ठीटा फाइव जो है वो हमारा क्या है लेस देन यू नॉट ठीटा फाइव है यानी यू नॉट ठीटा फाइव से छोटा है और इस रेंज में पूछूंगा तो यू ठीटा फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा यानी यू ठीटा फाइव यहाँ पे जीरो है यहां पे लेस देन है यहां पे इक्वल टू है यहां पे ग्रेटर देन है और यहां पे मैक्सिमम है तो ये सारी रेंज से हमें बताएगा डायरेक्टिव गेन तो डायरेक्टिव गेन को भी हम यहां देखेंगे तो यहां पे डायरेक्टिव गेन क्या मिलने वाला है सर मैक्सिमम मिलेगा क्या मिलेगा मैक्सिमम और यहां पे डायरेक्टिव गेन क्या मिलेगा सर ग्रेटर देन वन मिलेगा यहां पे डायरेक्टिव गेन क्या मिलेगा सर इक्वल टू वन मिलेगा और यहां पे डायरेक्टिव गेन क्या मिलेगा सर तो यहां पे डायरेक्टिव गेन डायरेक्टिव गेन जीरो मिलेगा तो अगर मैं पूछूं आपसे कि डायरेक्टिव गेन का रेंज क्या होगा तो आप बोलोगे सर डायरेक्टिव गेन का रेंज जीरो से लेकर हमारा डी मैक्स तक होगा तो जीरो से लेकर डी मैक्स तक होता है डायरेक्टिव गेन का रेंज अब मैक्स क्या होता है अभी हम लोग आगे चल के समझेंगे तो यहां पे हमारा सबसे पहले समझ गया कि डायरेक्ट्री गेन का रेंज जीरो से लेकर मैक्स तक तो होता है अगर मैक्स निकाल लू तो हमें मैक्स का वैल्यू से पता चल जाएगा अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये जो मैक्सिमम वैल्यू है जे रवि तेजा ने थुकाई की है गुंडों की तो यह जो है ये कहां तक पहुंचा है दूर पहुंचेगा जाहिर सी बात है ज्यादा दूर पहुंचेगा यानी यू थीटा मैक्सिमम वैल्यू हमेशा किससे बड़ा होगा यू नॉट थीटा फाइव से बड़ा होगा ये मैक्सिमम वैल्यू कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता है अगर इसका कम हुआ तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर और कम हुआ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर ये मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर हो गया तो आइसोट्रोपिक हो जाएगा यानी हम यहां से देख सकते हैं कि यू थीटा फाइव अगर मेरा क्या हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है या तो उससे बड़ा होगा यू नॉट थीटा फाइव से या तो उसके बराबर होगा तो अगर मैक्सिमम हमारा डी मैक्स का वैल्यू क्या होगा डी मैक्स का वैल्यू या तो ग्रेटर होगा या तो उसके बराबर होगा क्यों क्योंकि डी मैक्स जो होगा वो जो हो जाएगा थीटा का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यू यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं क्या इसे हम लोग बोलते हैं डी मैक्स तो इसी को हम लोग डायरेक्टिविटी भी कभी कभी बोलते हैं क्या बोलते हैं डायरेक्टिविटी तो डायरेक्टिविटी क्या होता है डायरेक्टिविटी होता है मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ डायरेक्टिव डायरेक्टिव गेन गेन जो भी भी है है उसका को डायरेक्टिविटी बोला जाता है. तो देखा आपने डायरेक्टिविटी समझ लिया जी सर डायरेक्टिव गेन समझ लिया जी सर डायरेक्टिव गेन क्या होता है रेडिएशन पैटर्न ऑफ जेनरल एंटीना अपॉन रेडिएशन पैटर्न ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना फास्ट हो रहा है क्या चलिए आप स्लो करेंगे थोड़ा सा और दूसरा रेडिएशन पैटर्न मैक्सिमम वैल्यू अपॉन फाइव जो कि हमारा क्या होता है डायरेक्टिविटी होता है तो यहाँ से हमने बातें कुछ कुछ समझा मैं फिर से एक बार समझाता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए चलिए मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ और समझते अच्छे से चलिए थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा तो सॉरी पहला बात इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या देखोगे फर्स्ट पॉइंट कि जो हमारा w0 होगा दोनों का सेम होगा किसका w0 सेम होगा सर ये मेरा आइसोट्रोपिक एंटीना है तो आइसोट्रोपिक एंटीना का w0 है ये इसका एंटीना का आइसोट्रोपिक एंटीना का और दूसरा हमारा क्या होगा w0 एक सेम w0 होगा रवि तेजा का तो ये हमारा डबी तेजा का w0 हो गया यस सर इसका हमारा आइसोट्रोपिक एंटीना का जो होगा वो क्या होगा U थीटा फाइव होगा रेडिएशन पैटर्न जो कि किसके बराबर हो जाएगा W नॉट अपन फोर पाई के बराबर हो जाएगा फिर से एक बार देख लीजिए दिमाग में बैठ जाएगा दूसरा यहां पे मैं पूछूंगा तो ये रेडिएशन क्या हो जाएगा जेनरल एंटीना है तो मैं आपसे पूछू कॉमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा क्योंकि ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि जेनरल एंटीना का क्या होता है तो जेनरल एंटीना का यू थीटा फाइव होता है तो आपसे सवाल पूछूंगा कि दोनों का डब्ल्यू नॉट सेम है कि अलग अलग है दोनों का पावर सेम है कि अलग अलग है पहला पॉइंट दोनों का पावर सेम है कि अलग अलग है डब्लू नॉट ऑफ किसका आइसोट्रोपिक और डब्लू नॉट ऑफ किसका जनरल एंटीना दोनों का सेम है कि अलग अलग है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जनरल एंटीना का तो सर डब्लू नॉट ऑफ जनरल एंटीना और नॉट ऑफ आइसोट्रोपिक दोनों सेम है दूसरी बात थीटा यूटाफा क्या हो जाएगा यू एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है किसके बराबर हो जाएगा डब्ल्यू नॉट अपॉन फोर पाई के बराबर हो जाएगा हम राइट right? जी सर वेरी गुड डब्ल्यू नॉट अपॉन फोर पाई के बराबर हो गया अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा क्या थर्ड क्वेश्चन की डायरेक्टिव गेन किसे बोलेंगे तो डायरेक्टिव गेन ले लो जनरल का का और डायरेक्टिव डायरेक्टिव गेन गेन किसका ले लो, का. किसका ले लो? का. ये हमारा क्या क्या हो हो जाएगा जाएगा अच्छी बात है है सर अब अगला सवाल पूछूंगा कि यहां पे यू क्या है? यू यू थीटा 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 बताइए आप लोग समझ जाएंगे आसानी से है जी सर। यहां पे यू. यहां पे u थीटा 5 जो है वो u नॉट थीटा 5 से ज्यादा होगा जी सर यहां पे हमारा u थीटा 5 क्या होगा u थीटा 5 हमारा u नॉट थीटा 5 के बराबर होगा जी सर और इस रेंज में क्या होगा इस रेंज में u थीटा 5 जनरल एंटीना का u नॉट थीटा 5 से कम है जी सर और यहां पे हमारा क्या होगा यहां पे हमारा फाइव का वैल्यू जीरो होगा जी सर अब हम आपसे सवाल अगला पूछते हैं अगला सवाल क्या है कि बताइए इसका वैल्यू यहां पर क्या होगा तो यहां पर डी डे डायरेक्टिव गेन क्या हो जाएगा सोच के बताओ दिस अपॉन दिस रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा ग्रेटर देन वन तो यहां पर अगर मैं पूछूं तो रेशियो क्या मिलेगा सर ग्रेटर देन वन मिलेगा सर जी सर रेशियो ग्रेटर देन वन यहां पर रेशियो क्या मिलेगा सर तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो वन मिल जाएगा सर यू थीटा फाइव थीटा फाइव करोगे तो यहां पे डायरेक्टिव गेन क्या हो जाएगा सर लेस देन वन हो जाएगा यहां पे जीरो है तो डायरेक्टिव गेन क्या हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा और यहां पे पूछू तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर यहां पर डी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा यू थीटा फाइव का वैल्यू क्या लिया हो मैक्सिमम लिया हो और डिवाइड बाई क्या हो यू नॉट थीटा फाइव लिए हो तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से डी का वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगा फी तो बताओ कहां से कहां तक डायरेक्ट गेन होगा जीरो से लेकर मैक्सिमम तक जी सर तो चौथा सवाल जीरो से लेकर कहां तक होगा मैक्सिमम तक होगा जी सर अब पांचवा डी मैक्स क्या होता है सर सर डी मैक्स जो होता है वो यू थीटा ठीटाफाई का मैक्सिमम वैल्यू लिया जाता है अपॉन क्या होता है यू थीटा ठीटाफाई होता है जी सर तो थीटा ठीटाफाई हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर इसी को डायरेक्टिविटी बोला जाता है क्या बोला जाता है डायरेक्टिविटी सॉलिड एंगल को कम करना पड़ेगा बाबू वो सॉलिड एंगल वाली बात बताएंगे बाद में अभी इसको पे करते हैं एकदम यहीं से करते हैं अभी यहीं पे बात करते हैं अभी सॉलिड एंगल की अभी बात नहीं कर रहे हैं यहां पे क्या हो जाएगा डी नॉट हो जाएगा जी सर तो डी मैक्स का वैल्यू आ गया जी सर अब सिक्स पॉइंट आपसे पूछू सिक्स पॉइंट आप बताइएगा अच्छे से क्या बाबू कि सिक्स पॉइंट आपसे पूछू कि डायरेक्टिविटी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा लेस देन देन ग्रेटर इक्वल टू तो आप ही बताइएगा यू नॉट थीटा है 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 जी सर सर ये कैसा मैक्सिमम है? है मैक्सिमम और है, तो जैसे जैसे इसको कम करोगे वैसे वैसे क्या होगा ये रेडिएशन और बढ़ता जाएगा तो अगर मान लो इसको कम किए मान लो इसको तुम कम किए कम किए तो क्या होगा ये ये रेडिएशन और फैल जाएगा और कम करोगे तो और फैल जाएगा और कम करोगे तो और फैल जाएगा और कम करोगे तो और फैल जाएगा और पूरा ही कम कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा समझ रहे बात को? तो जैसे जैसे तुम क्या करोगे कम करोगे तो और जैसे जैसे पतला करोगे तो और डायरेक्टिव होगा और पतला करोगे तो और डायरेक्टिव होगा और पतला करोगे तो और डायरेक्टिव होगा तो यानी डायरेक्टिव जो होगा वो कैसे होगा अगर मैक्सिमम वैल्यू करते जाओगे तो ज्यादा डायरेक्टिविटी होने लगेगा

तो डायरेक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू वन हो जाएगा हाँ आइसोट्रॉपिक में क्या होता है फोर पाई हो जाता है तो इधर से करोगे तो हाफ सर्किल बन जाएगा इसको चिपकाओगे तो हाफ सर्किल बन जाएगा तो पूरा सर्किल बन गया पूरा स्वेयर बन गया तो यानी हमारा यहाँ पर डायरेक्टिविटी क्या हो जाएगा इक्वल टू वन हो जाएगा तो डायरेक्टिविटी इक्वल टू वन कब होगा जब यू नॉट थीटा फाइक का मैक्सिमम वैल्यू और यू ठीटा दोनों बराबर हो जाए तो डायरेक्टिविटी क्या हो जाएगा वन हो 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 जाएगा 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 अगर ये दोनों बराबर गए तो तो क्या डायरेक्टिविटी किसका होता है ट्रॉफी एंटीना का होता है इन आइसो एंटीना होगा तो डायरेक्टिविटी कितना ले लोगे वन ले लोगे आसान सी बात है जी सर तो ये सारी बातें आपको समझ में अब आ गई होगी कि डायरेक्टिविटी क्या होता है डायरेक्टिव गेन क्या होता है जी सर डायरेक्टिव गेन क्या होता है पूरे रेडिएशन पैटर्न में देखा जाता है डायरेक्टिविटी क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्टिव गेन जो होता है वो डायरेक्टिविटी होता है डायरेक्टिव गेन कहां से कहां तक होता है जीरो से लेकर डायरेक्टिविटी तक होता है डायरेक्टिविटी क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है समझ गए यानी डायरेक्टिव गेन हमेशा क्या होगा वन से बड़ा होगा क्योंकि डायरेक्टिव गेन हमें डायरेक्टिविटी हम वन से बड़ा है तो डायरेक्टिव गेन भी

अब हम लोग डायरेक्टिविटी के साथ थोड़ा खेलना सीखेंगे आगे चल के हम आपको दिखाएंगे तो डायरेक्टिविटी के साथ खेलना सीखेंगे तो डायरेक्टिव पहले डायरेक्टिव गेन के साथ खेलना फाइव अपॉन तो u नॉट थीटा फाइ जी सर तो so, u थीटा फाइ अपॉन u नॉट थीटा फाइ आ गया अब u थीटा फाइ आप जानते हो गए जी सर u नॉट ठीटाफाई क्या होता है w नॉट अपॉन फोर पाई अभी जस्ट बताया था आपको

जनरल एंटीना का भी है तो यानी डब्ल्यू नॉट हम जनरल एंटीना का निकाल सकते हैं U थीटा फाइव के टर्म्स में यस सर कितना हो जाएगा सर डब्लू नॉट थीटा फाइव के टर्म्स में तो इंटीग्रेशन ऑफ U थीटा फाइव डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा D थीटा डी फाइव जी सर तो देखा आपने किसका निकाल लिया फॉर्मूला डायरेक्टिव गेन का फॉर्मूला निकाल लिया अगर यही पूछूं मैं डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा तो U थीटा फाइव का आप मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो वो क्या बताएगा आपको डायरेक्टिविटी बताएगा अपॉन यू नॉट थीटा फाइव ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया अगर आप रखना चाहो तो फोर पाई इन टू थीटा फाइव का मैक्सिमम वैल्यू डि क्या हो जाएगा यू थीटा फाइव हो जाएगा जी सर तो यू नॉट कर के जगह पर क्या जाएगा डब्लू नॉट आ जाएगा या आप क्या लिख सकते हो फोर पाई इन टू यू थीटा फाइव और मैक्सिमम वैल्यू डिड बाई क्या लिखोगे डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे थीटा फाइव इंटू साइन थीटा इन डी थीटा इन डी फाइव लिख दोगे जी सर आगे आपका वैल्यू तो देखा आपने क्या क्या वैल्यू निकाल लिया डायरेक्टिविटी का आपने फॉर्मूला निकाल लिया आपने डायरेक्टिव गेन का फॉर्मूला निकाल लिया जी सर तो देखिए हमने यही बात लिखा है रेडिएशन पैटर्न ऑफ जनरल एंटीना अपॉन रेडिएशन पैटर्न ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना ये हमने कुछ फॉर्मूला लिखा है जी सर ये हमने जनरल एंटीना का लिखा है और अगर बराबर हो जाएगा तो डायरेक्टिविटी उसके इसमें क्या हो जाएगा ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जी सर दूसरा हमने डी मैक्स का ये फॉर्मूला लिख दिया और उसके बाद से जो हमारा ये फॉर्मूला हुआ जनरल एंटीना का डायरेक्टिविटी वन से बड़ा होता है आइसोट्रॉफिक एंटीना का वन के बराबर होता है जो डायरेक्टिव गेन होगा वो जीरो से डी नॉट तक होगा और डी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा उसके से बाद से ये फॉर्मूला कुछ देर बाद देखेंगे अब हम लोग क्या देखेंगे देखिए दि बाबू अब हम लोग इसमें कहानी देखते हैं एक क्वेश्चन बनाते हैं क्या बनाते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा फिर हम लोग फिर आएंगे उस पॉइंट पे तो अब क्वेश्चन बनाते हैं मान लो आपको u u थीटा थीटा दिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है है क्या और आपसे क्या दिया कितना दिया u थीटा फाइव सर u थीटा फाइव दिया है साइन स्क्वायर थीटा इन टू साइन स्क्वायर फाइव इन टू जीरो से लेकर कहां तक फाइव है बाबू जीरो से लेकर टू पाई तक है और हमारा थीटा भी कहां से कहां तक है जीरो से लेकर पाई तक है तो आपको क्या क्या निकालना है सर सर मेरे को इसमें डब्लू नॉट निकालना है क्या निकालना है डब्लू नॉट ठीक है दूसरा क्या निकालना है सर डायरेक्टिव गेन निकालना है ठीक है तीसरा क्या निकालना है सर डायरेक्टिविटी निकालना है बस ये जिसको निकालने आ गया बस हो गया बाबू इंटेंसिटी है बाबू याद रखना क्या है इंटेंसिटी यू थीटा फाइव लिख दिया इसका नाम क्या होता है रेडिएटेड पावर इंटेंसिटी या दूसरा नाम क्या होता है रेडिएशन पैटर्न चलिए अब आप मेरे साथ निकालिए वैल्यू को और कैलकुलेट कीजिए तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि डब्ल्यू नॉट क्या होगा सर हम डब्ल्यू नॉट आसानी से निकाल सकते हैं क्या होगा सर डब्ल्यू नॉट साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा क्या होगा साइन स्क्वायर फाइव और साइन थीटा इन टू डी थीटा डी फाइव होता है जी सर थीटा कहाँ से कहाँ तक जीरो से पाई तक पाई कहाँ से कहाँ तक जीरो से टू पाई तक बस इसको इंटीग्रेट कर देना जिसको इंटीग्रेशन आता है वो आसानी से बना लेगा अब बताओ इसको क्या करोगे जीरो से टू पाई तक ले लेंगे थीटा का वैल्यू जी सर और ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा इन टू डी थीटा और जीरो से टू पाई तक ले लिए इसका साइन स्क्वायर थीटा का इंटू डी फाइव का अब इसका इंटीग्रेशन जिसको करने आता है वो आसानी से कर लेगा तो बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इंटीग्रेशन तो कर करेंगे तो सर इसका इंटीग्रेशन आएगा टू बाई थ्री करके दिखा दो आप जानते होंगे साइनक्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे चलिए दोनों ही कर देते नहीं तो कहोगे सर बताए नहीं इंटीग्रेशन तो जीरो से लेकर कहां तक हो जाएगा पाई तक वन माइनस इंटू साइन थीटा और क्या हो जाएगा हमारा साथ में इंटू डी थीटा हो जाएगा और जीरो से लेकर टू पाई तक वन माइनस जी सर इंटू डी फाइव हो जाएगा चलिए इसमें तुम क्या कर लो थीटा को एक्स मान लो थीटा को एक्स मानोगे तो क्या हो जाएगा कॉस्टीटा इजिकल टू एक्स तो माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन ठीटा डी थीटा डीएक्स के बराबर हो जाएगा थीटा अगर जीरो हुआ तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा थीटा अगर मेरा कितना हो जाए पाई हो जाए तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा जी सर पुट कर लो यहाँ पे जी वन से माइनस वन तक और वन माइनस एक्स स्क्वायर साथ में माइनस डीएक्स लिख देंगे जी सर और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर इन, इसका इंटीग्रेशन फाइव बाई टू हो जाएगा फाइव कॉस फाइव का इंटीग्रेशन सर साइन टू फाइव होता है जी सर ये फाइव बाई टू हो गया साइन टू फाइव बाई फोर हो गया जीरो से लेकर टू पाई पुट कर दो आ जाएगा इंटीग्रेशन जी सर इसका इंटीग्रेशन कर लो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फोर बाई थ्री इसका इंटीग्रेशन तुम आसानी से कर सकते हो टू पाई रखोगे तो साइन फोर पाई जीरो साइन जीरो जीरो हो जाएगा टू पाई टू पाई हो जाएगा और जीरो जीरो हो जाएगा तो टू पाई प्लस टू कितना हो जाएगा जीरो पाई आ जाएगा यानी इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा फोर पाई बाई थ्री आ जाएगा यानी आपने कितना निकाल लिया इसका डब्लू नॉट फोर पाई वाइव निकाल लिया निकल गया जी सर आसानी से मैंने देखो इंटीग्रेट करके निकाल दिया अब आपसे क्या पूछा है डायरेक्टिव गेन आसानी से निकाल लो गे डायरेक्टिव गेन डायरेक्टिवेन क्या हो जाएगा सर डायरेक्टिव गेन हो जाएगा हमारा यू थीटा फाई अपॉन यू नॉट थीटा थीटाफाई होता है जी सर यू नॉट थीटा फाइव क्या होता है ये अब लिखना बार बार ताकि आपको हमेशा याद रहेगा फोर पाई यू थीटा फाइव अपॉन डब्ल्यू नॉट होता है क्योंकि डब्ल्यू नॉट अपॉन फोर पाई यू थीटा फाइव होता है यू नॉट थीटा फाइव जी सर अब फोर पाई यू थीटा फाइव कितना है सर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा डब्लू नॉट डब्लू नॉट कितना है फोर पाई बाई थ्री है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा थ्री साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाइव यानी डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा थ्री साइन स्क्वायर थीटा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाइव इसे क्या बोलेंगे ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा इस पे डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा जी सर अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू तो हम देखेंगे कि कहां पे ये मैक्सिमम होगा कहां पे मैक्सिमम होगा तो सर साइन ठीटा पाई बाई टू पे मैक्सिमम होता है अच्छा और साइन फाइव पाई बाई टू पे मैक्सिमम होता है जी सर तो साइन थीटा पाई बाई टू पे मैक्सिमम होगा क्या थीटा में पाई बाई टू रेंज है जी सर है तो यानी हम क्या ले लेंगे पाई बाई टू ले लेंगे और क्या साइन स्क्वायर थीटा में फाइव में पाई बाई टू है सर थ्री पाई बाई टू है सर यानी साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं तो यानी दोनों में रेंज में हमारा वैल्यू है तो यानी हमारा डायरेक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री इसका मैक्सिमम वैल्यू वैल्यून इसका मैक्सिमम वैल्यू वैल्यून तो कितना डायरेक्टिविटी थ्री आ गया तो आपने डायरेक्टिविटी निकाल लिया जी सर डायरेक्टिव गेन निकाल लिया जी सर सब कुछ निकाल लिया अब आपसे पूछता फाइंड द डायरेक्टिव गेन एट थीटा आईकल टू फोर्टी फाइव डिग्री फाइव इजिकल टू फोर्टी फाइव डिग्री तो हम डायरेक्टिव गेन निकाल सकते हैं किस पे ल टू फोर्टी फाइव डिग्री एंड फाइवल टू फोर्टी फाइव डिग्री बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा थ्री फोर्टी फाइव डिग्री को तो वन बाई टू दूसरा फोर्टी फाइव डिग्री रखोगे तो वन बाई टू थ्री बाई फोर हो जाएगा जी सर तो डायरेक्टिव गेन पूछेगा यानी थीटा और फाइव का वैल्यू पुट करना होगा अगर डायरेक्टिविटी पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा डब्ल्यू नॉट पूछेगा निकाल सकते हैं तो इसमें बताइए कोई भी आपको दिक्कत हुई एक बार कमेंट करके क्या आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हुई एक और एग्जाम्पल लू इस तरह का ताकि आपको और अच्छा नॉलेज हो जाए लू एक और एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले W नॉट निकाल लो W नॉट निकालने के बाद से डायरेक्टिव गेन निकाल लो और डायरेक्टिव गेन का मैक्सिमम वैल्यू आपका डायरेक्टिविटी हो जाएगा हो गया काम खत्म सही है अब पूछूंगा कि बताइए ये किसका रेशियो है सर पावर है नीचे भी क्या है पावर है जब पावर का रेशियो होता है तो क्या करते हैं सर तो पावर क्रेसी होता है तो डीबी में निकालते वक्त टेन लॉ ले लेते हैं तो यहां पे अगर लॉग में पूछेगा टेन डीबी में पूछेगा तो टेन लॉग टेन थ्री लिख दोगे अब थ्री का लॉग क्या होता है जानते हो आप उठ कर दो आंसर आ जाएगा तो क्या आपको डायरेक्टिविटी में कोई दिक्कत हुई नहीं डायरेक्टिव गेन में कोई दिक्कत हुई बता दीजिएगा बाबू कोई दिक्कत हुआ क्या चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे यू थीटा पाई देखेंगे यू थीटा पाई हमारा फिर से वही दे दिया क्या दे दिया sin स्क्वायर थीटा और क्या दे दिया sin स्क्वायर लेकिन थीटा का रेंज कहां से कहां तक दिया पाई बाय 4 तक और पाई का रेंज कहां तक दिया पाई तक ऐसे ही गेट में चेंज करेगा हो गया बताइएगा ऐसे ही गेट में चेंज करेगा अब आपसे क्या पूछ लेगा फिर से वही डब्ल्यू नॉट पूछ लेगा आसानी से बता सकते हो जी सर डब्लू नॉट क्या होगा डब्ल्यू नॉट होता है यू थीटा थीटा दी थीटा दी होता है तो हम क्या लिखेंगे यू थीटा एंड साइन स्क्वायर फाइव एंड साइन थीटा डी थीटा डी फाइव जी सर अब यहां पे हम लोग रेंज रख लेंगे तो क्या लिखेंगे वन माइनस स्क्वायर थीटा इंटू साइन इंटू डी कहां से कहां तक ले लोगे बाबू का वैल्यू जीरो से पाई बाई फोर और थीटा का वैल्यू जीरो से पाई जी सर अब यहां पे इंटीग्रेशन कर दो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर तो ये हो जाएगा थीटा जीरो रखोगे वन थीटा पाई बाई फोर रखोगे वन बाई रूट टू इसको एक्स रख दोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस डी एक्स हो जाएगा जी दूसरा इसका इंटीग्रेशन फाइव बाई टू एंड माइनस साइन टू फाइव बाई टू कहाँ से कहाँ तक जीरो से पाई रख दिया जी सर अब मुझे बताओ क्या करोगे सर इस पर कुछ नहीं सर इंटीग्रेशन करेंगे इसमें रेंज उल्टा हो जाएगा उल्टा रेंज हो गया तो क्या लिखोगे सर वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा उल्टा रेंज हो जाएगा जी सर तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री और x का वैल्यू वन बाई रूट टू से लेकर वन तक और दूसरा में क्या हो जाएगा फाइव तो पाई बाई टू हो जाएगा क्यों क्योंकि इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा जी सर अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे वन रखेंगे वन बाई थ्री टू बाई थ्री हो जाएगा दूसरा दूसरा हो जाएगा हमारा वन बाई रूट टू माइनस वन बाई टू रूट टू डिवाइड बाई थ्री तो सिक्स हो जाएगा वन बाई सिक्स रूट टू हो जाएगा जी सर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई बाई टू हो जाएगा तो कितना आ गया सर आराम से वैल्यू निकाल सकते हो तो वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा फाइव बाई सिक्स रूट टू हो जाएगा जी सर तो फाइव बाई सिक्स रीट टू तो टू बाई थ्री माइनस फाइव बाई सिक्स रूट टू और इंटू पाई बाई टू फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा छेदनी का बारह रूट टू और छः पाँच यहाँ से तीन आ जाएगा तो ठीक है तो दो चार रूट टू और माइनस पाँच डिवाइड बाई सिक्स रूट टू इंटू पाई बाई टू ये सर ये वैल्यू आ गया आपका डब्लू नोट का आ गया डब्लू नॉट का वैल्यू मान लो इसको कुछ एक्स मान लेते हैं डब्लू नॉट ही रन देते हैं अब डब्ल्यू नॉट आ गया तो हम लोग डायरेक्टिव गेन निकालेंगे डायरेक्टिव गेन क्या हो जाएगा फोर पाई इंटू यू थीटा फाइव डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हम लोग को फोर पाई इंटू यू थीटा फाइव आगे देख लेंगे तो फोर पाई जी सर अब यू थीटा फाइव हो गया और यू थीटा फाइव इंटू क्या लिखोगे डिवाइड बाई डब्लू नॉट लिख, लिख दोगे डब्लू नॉट तुम लोग कैलकुलेट कर चुके हो तो फोर पाई बाई डब्ल्यू नॉट यू का वैल्यू साइन डायरेक्टिविटी क्या होगा सर डायरेक्टिविटी आसान से निकाल लोगे डायरेक्टिविटी होगा सर हमारा डी नॉट जी सर डी नॉट क्या होगा सर तो फोर पाई बाई डब्ल्यू नॉट और इसका वैल्यू मैक्सिमम देखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लोगे वन साइन स्क्वायर फाइव का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लोगे वन और यही गलती हो जाएगा कैसे सर साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू सर पाई बाई फोर पे आएगा क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो जीरो पे वन होता है और वन पाई बाई फोर पे क्या होता है वन बाई रूट टू जीरो पे जीरो होता है और वन बाय रूट टू होता है यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू सर वन बाई रूट टू होगा

डब्ल्यू नॉट आप लोग निकाल चुके हो क्या जी सर तो ये हो जाएगा टू पाई बाई डब्ल्यू नॉट तो बच्चे गलती कहाँ करेंगे ये वाला गलती करेंगे इसका वैल्यू मैक्सिमम ले लेंगे तो आपको इसका वैल्यू मैक्सिमम नहीं लेना है ये बात ही अपने बांध के दिमाग में बैठा लीजिएगा अब मैं आपसे बोलूंगा कि एंटीना जो होता है ना उसमें कैलकुलेशन बहुत टफ होता है क्या होता है बहुत टफ होता है अब यहाँ से हमने देख लिया सारी चीज़ें निकालना मैं बार बार बता दूंगा कि देखो बाबू यही क्वेश्चन आपको गेट में दिया रहेगा यू थीटा फाइव दे देगा आपसे बोलेगा कि आप डब्ल्यू नोट निकालो और आपसे बोलेगा कि आपको डायरेक्टिव निकालो और आपसे बोलेगा कि डायरेक्टिविटी निकालो या ऐसा क्वेश्चन दे देगा और उसके बाद से बोलेगा कि आप यहां से वैल्यू निकालो तो आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम वैल्यू लेते वक्त उसका रेंज आपको ध्यान में रखना है अगर रेंज बाहर हो गया तो इन दैट केस क्या करेंगे यह समझ के रखना है अगर रेंज को आपने कंसिडर करके नहीं चला तो आपको बहुत दिक्कत आएगी तो रेंज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि रेंज तो सर हमने देख लिया सारी बातें समझ ली अब क्या सर इसमें बताओगे तो इसमें अगला बात हम आपको बताने वाले हैं कि चलो रेंज तो आपने समझ लिया डी नॉट भी समझ लिया जी सर अब मान लो हम लोग को अप्रोक्सीमेटेड वाला दे दे क्या दे दे अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टिविटी दे दे क्योंकि एंटीना में हमारा ज्यादातर क्या चलता है अप्रोक्सीमेशन की दुनिया चलती है इसकी अप्रोक्सीमेशन की तो अप्रोक्सीमेशन की दुनिया चलती है तो यहाँ पे हमारा लोब्स की दुनिया चलती है मतलब मान लो एक एंटीना है और जो इस डायरेक्शन में ऐसे रेडिएट कर रहा है इस डायरेक्शन में नन्हे मुन्ने रेडिएशन दे रहा है इस डायरेक्शन में नन्हे मुन्ने रेडिएशन दे रहा है इस डायरेक्शन में भी नन्हे मुन्ने रेडिएशन दे रहा है तो ये एक रेडिएशन पैटर्न है किसी एंटीना का क्योंकि तो सर ये कैसे बनाया गया सीखेंगे लास्ट क्लास में हम हर चीज अभी यहाँ पे नहीं सिखा सकते तो मान लो ये रेडिएशन पैटर्न में दे दिया और सबसे पहला आपसे सवाल आएगा कि सर है क्या ये तो ये रेडिएशन पैटर्न है और ये बताना चाह रहा है कि इस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा रेडिएशन है मतलब इस डायरेक्शन में आपको सही सिग्नल रिसीव होगा इस डायरेक्शन में बहुत कम दूर तक तो, कम डायरे कम सिग्नल रिसीव होगा इधर भी कम इधर भी कम इधर भी कम इन चारों तरफ डायरेक्शन में आपको सिग्नल कम रिसीव होने वाला है लेकिन इस मेजर डायरेक्शन में आपको सिग्नल ज़्यादा रिसीव होने वाला है तो इसीलिए आपको ये ड पैटर्न कहलाता है अब रेडिएशन पैटर्न में अगला बात होगा कि इसको क्या बोला जाता है इसका नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट इसका नाम मैं दे देता हूँ सेकेंड इसका नाम मैं दे देता हूँ थर्ड इसका नाम मैं दे देता हूँ फोर्थ और इसका नाम दे देता हूँ फाइव और इसका नाम दे देता हूँ सिक्स तो ये हमारा रेडिएशन पैटर्न की दुनिया हो गई अब ये रेडिएशन पैटर्न से तुम्हें देखना है क्या ड में पहले नाम देखना है तो पहला का नाम होता है मेन लोब या मेजर लोब नाम होता है मेन या क्या नाम होता है मेजर लोब नाम होता है Osionfish. अब अगला बात होगा सेकेंड बात टू और थ्री को क्या बोलेंगे ये तो मेन गुंडा हो गया क्या हो गया मेन गुंडा हो गया और टू और सिक्स क्या होगा साइड वाले गुंडा कहलाएंगे तो टू और सिक्स को साइड लोब बोला जाता है क्या बोला जाता है साइड लोब बोला जाता है और अगर मैं पूछूं फोर को क्या बोलोगे सर तो फोर ना मेजर के अपोजिट में है इसीलिए फोर को क्या बोला जाता है अब क्या बोला जाता है अपोजिट बैक लोब बोला जाता है क्या बोला जाता है बैक लोब बोला जाता है और अगर मैं पूछू और कुछ भी बोला जाता है क्या जी सर टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सबको क्या बोला जाएगा सर ये सबको बोला जाएगा माइनर लोब बोला जाएगा तो ये हमारा माइनर लोब कहलाता है तो कब अलग अलग नाम होता है सबसे बड़ा जो दिखा वो मेजर लोब या मेन लोब कहलाएगा मेन लोब के अपोजिट क्या कहलाएगा साइड लोब क्या बैक लोब कहलाएगा मेन लोब के आजू बाजू में कहलाएगा. और जो भी छोटा -छोटा दिखेगा, उसे क्या तो सुनने तो को मिलेगा इसमें हम क्या सोचेंगे तो इसमें देखो हमारा जो होता है डायरेक्टिविटी से देखा जाता है डायरेक्टिविटी कैसे देखा जाता है रेडिएशन पैटर्न से जैसे मान लो ये मेरा एक कंटीना का डायरेक्टिविटी है रेडिएशन पैटर्न है और ये दूसरा एक कंटीना का रेडिएशन पैटर्न है ये तीसरा कंटीना का रेडिएशन पैटर्न है तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका सॉलिड एंगल की कहानी चल रही है इसका सॉलिड एंगल ज्यादा है इसका सॉलिड एंगल कम है इसका सॉलिड एंगल और कम है तो जैसे जैसे आप सॉलिड एंगल को कम कर रहे हो डायरेक्टिविटी हमारा बढ़ रहा है तो डायरेक्टिविटी बढ़ने का कारण क्या होता है सॉलिड एंगल को कम करना यानी डायरेक्टिविटी को हम लोग सॉलिड एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं ओमेगा बाई ओमेगा इफेक्टिव ये कैसा फार्मूला होता है इसे अप्रोक्सीमेट फार्मूला बोलते हैं ये फार्मूला होता है कौन सा फार्मूला होता है ये जो डायरेक्टिविटी निकाले वो कैसे फार्मूले से निकाले अप्रोक्सीमेट फार्मूला से निकाले और ओमेगा इफेक्टिव निकालने का तरीका आपको बताया हूँ क्या बताया हूँ ओमेगा इफेक्टिव निकालने का तरीका थीटा ई इन टू एच हो जाएगा जी सर अगर नॉन यूनिफॉर्म कौन होगा तो और थीटा ई स्क्वायर हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म कौन होगा तो

दूसरी बात आपने डायरेक्टिव गेन का अपन को डब्लू नॉट अपन फोर पाई लिखोगे और डब्लू नॉट हमारा दोनों ही एंटीना का सेम होता है तो यू थीटा फाइव साइन थीटा डी थीटा डी फाइव हो जाएगा फिर उसके बाद से हमने देखा कि जनरल एंटीना का जो होता है वो यू phi मैक्सिमम जो होता है वो थीटा फाइव से बड़ा या उसके बराबर होता है तीसरी बात देखा कि डायरेक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है फोर पाई इन टू यू थीटाफाई का मैक्सिमम वैल्यू ले लो लोगे अपॉन डब्ल्यू नॉट हमारा डायरेक्टिविटी बताता है अब डायरेक्टिविटी का हमारा फॉर्मूला आ गया जी सर अब डायरेक्टिविटी हमारा दो भात में होता है डायरेक्टिव गेन जो होता है वो जीरो से लेकर डायरेक्टिविटी तक होता है और डायरेक्टिविटी जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है अगर डायरेक्टिविटी ग्रेटर देन वन हो गया तो जनरल एंटीना होगा अगर डायरेक्टिविटी वन हो गया तो आइसोट्रोपिक एंटीना होगा और अगर मान लो मेरा पास दूसरा फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट फार्मूला बोलेंगे इसे कौन सा फार्मूला बोलेंगे एग्जैक्ट फार्मूला बोलेंगे ये एग्जैक्ट मेथड से आया और जरूरी नहीं है कि हर एक का यू थीटा ठीटाफाई निकाल ले हर एक का आप यू थी, यू नॉट थीटा ठीटाफाई निकाल लो तो ये हमारा जरूरी नहीं है कि ये मेन क्या है एग्जैक्ट फार्मूला है इसका एग्जैक्ट फार्मूला है बाबू एग्जैक्ट फार्मूला है डायरेक्टिविटी का और ये हमारा फार्मूला क्या है अप्रोक्सीमेट फार्मूला है मतलब ये डायरेक्टिविटी निकालने का अप्रोक्सीमेट एनालिसिसमेट फार्मूला होता है आप कहोगे सर अप्रोक्स फार्मूला और एग्जैक्ट फार्मूला में कितना का अंतर होगा अप्रोक्स फार्मूला और एग्जैक्ट फार्मूला में तीन का एरर होता है कितने परसेंट का एरर होता है तीन मान लो इसका वैल्यू टू आ रहा है तो अप्रोक्स से आपका सिक्स आ सकता है एट आ सकता है एट तक सही माना जाता है मतलब वही बात यहाँ पे आप समझ रहे हो बात को कि यहां पे हमारा क्या होगा दो आ रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका इस मेथड से आपको सिक्स आ जाए एट आ जाए चलेगा एट से ज्यादा आएगा तो उस एरर को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो इसीलिए एग्जैक्ट फॉर्मूला और डिफरेंस फार्मूला में हम लोग लेते हैं अब एग्जैक्ट वाला और डिफरेंस वाला में से कौन सा ड़ु, ड़ु नौट? ड़ु नौट ही अलग है यहाँ पेट है बाबू यहाँ पे हमारा क्या है, है।, तो है। इसमें हमें एंगल दिया होगा तो एंगल से निकाल लेंगे तो चलिए अब क्वेश्चन बना के और अच्छे से समझते हैं दोनों तरह का क्वेश्चन बनाएंगे एग्जैक्ट वाले से भी और डब्लू नॉट वाले से भी तो ये क्वेश्चन देखो आप

क्या दिया है डब्ल्यू एवरेज अब डब्ल्यू एवरेज क्या होता है हम तो कभी नाम ही नहीं सुने हैं तो यहां से नाम समझेंगे क्या 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 है 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 ये सर कितना दिया है नॉट अपॉन आर स्क्वायर कॉस का पावर फोर थीटा इन टू एआर कैप यानी हम अपनी भाषा में इसको समझ सकते हैं कि ये पी पीराइड दिया हुआ है कितना नॉट अपॉन आर स्क्वायर का पावर फोर डेंसिटी तो बोलना चाह रहा है यानी फाइव से इंडिपेंडेंट है अच्छी बात है जीरो से कहां तक है सर पाई बाई टू तक है और जीरो से फाइव कहां तक है जीरो से टू पाई तक है अब क्या क्वेश्चन पूछा है सीनोट जो है वो कॉन्स्टेंट है तो आपसे सवाल क्या पूछा है सर सवाल पूछा है कि, कि पावर कितना पावर रेडिएट करेगा दूसरा डायरेक्टिविटी कितना होगा दो सवाल आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में तो आपसे दो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डायरेक्टिविटी कितना होगा दूसरा क्या पूछा है कि कितना पावर रेडिएट करेगा आसान सी भाषा है आसान सी भाषा में समझेंगे सबसे पहले हमें पीराइड कितना दिया हुआ है तो आप कहोगे सर पीराइड हमारा दिया हुआ है सी नॉट अपॉन आर स्क्वायर इन कॉस का पावर फोर थीटा जी सर अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए थीटा फाई कितना है सर तो यू थीटा फाई आपको निकालने का तरीका बता दिया हूं स्क्वायर स्क्वायर कर कर दो दोगे तो सी नॉट इंटू कॉस का पावर फोर थीटा हो जाएगा जी सर अब तुम्हें डब्लू नॉट निकालना है डब्लू नॉट निकालने का तरीका क्या बताऊं कि यू थीटा फाई ले लो तो सी नॉट कॉस का पावर फोर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा डी फाई होता है थीटा का रेंज दिया हुआ है कहां से कहां तक दिया हुआ है सर क्वेश्चन में जीरो से पाई बाई टू तक दिया हुआ है और फाइव का रेंज कहां से कहां तक दिया जी है जीरो से टू पाई तक दिया हुआ है यानी यहां से तुम वैल्यू निकाल सकते हो क्या लोगे सी नॉट सी नॉट का क्या हो जाएगा सी नॉट ही रहेगा तो सी नॉट ही रहा जी सर और उसके बाद से डी फाइव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर टू पाई हो जाएगा अच्छी बात है सर और कॉस्ट थीटा का तुम एक्स मान लोगे तो साइन थीटा डी थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा माइनस डी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा जीरो पे वन पाई बाई टू पे दिस तो इसका कॉस्ट फोर कॉस्ट का पावर फोर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा सर वन बाई फाइव आ जाएगा यानी आपका वैल्यू क्या आ गया टू पाई सी नॉट बाई फाइव आ गया अब इसका वैल्यू निकाल लो आपको आंसर आ जाएगा तो इंटीग्रेट करना था तो आपको डब्ल्यू नॉट मिल गया जैसे ही डब्लू नॉट मिल गया अब डायरेक्टिविटी की बात करोगे डायरेक्टिविटी के पहले डायरेक्टिविटी क्या होता है हमारा फोर पाई यू थीटा फाई का मैक्सिमम वैल्यू लिया जाता है जी सर और डिवाइडेड बाय क्या होता है सर डब्लू नॉट होता है तो डब्लू नॉट से डिवाइड कर देंगे आसानी से आ जाएगा हाँ सर अब फोर पाई पता है तो यू थीटा फाई का मैक्सिमम वैल्यू इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिसमें कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होगा कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आता है जीरो पे आता है पाई पे आता है जीरो पे कितना होता है वन होता है पाई पे क्या होता है माइनस वन होता है तो जीरो लेंगे तब वन हो जाएगा इसका वैल्यू पाई भी लेंगे तब भी वन हो जाएगा इसका वैल्यू यानी जीरो और पाई में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो रेंज में चेक करेंगे क्या थीटा के रेंज में जीरो से पाई बाई टू है जी सर यानी थीटा का वैल्यू जीरो है यानी कॉस्ट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं तो कॉस्ट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा फोर पाई और कॉस्ट थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वन हो गया तो सी सी नॉट हो जाएगा और डब्ल्यू नॉट कितना आ गया टू पाई बाई फाइव इंटू सी नॉट आ गया तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू टेन आ जाएगा यानी डायरेक्टिविटी आपका टेन आ गया डीबी में पूछेगा आसानी से निकाल सकते हो डायरेक्टिविटी का डीबी में निकालेंगे पावर का रेशियो है पावर का रेशियो है तो टेन लॉक टेन ले लेंगे और टेन है तो डायरेक्टिविटी टेन का टेन डीबी हो जाएगा गलती से तुम डीबी में नहीं भी निकाले तब भी आंसर सही होता तो टेन डीबी हो जाएगा जी सर टेन डीबी हो गया तो टेन डीबी है टेन डीबी है ट्वेल्व डीबी है एंड ट्वेल्व डीबी है कौन सा आंसर सही हो जाएगा ये आंसर गलत हो गया ये आंसर गलत हो गया और वन पॉइंट फाइव तो नहीं आएगा सिक्स बाई फाइव वन पॉइंट टू के बराबर होता है तो आंसर हो जाएगा बी आपने आंसर निकाल लिया क्या निकाल लिया बी आंसर निकाल लिया जी सर तो देखो आपने बी आंसर निकाल लिया कितना आसान सवाल है एंटीना का बहुत बेहतरीन बहुत तीजी सवाल होता है एंटीना का बस रेडिएशन पैटर्न आएगा वहां पे थोड़ा तुमसे डरोगे और कभी नहीं डरोगे ये मेरा भरोसा है

और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए इसका डायरेक्टिविटी क्या होगा या पूछे डायरेक्टिविटी क्या होगा यहां पर थीटा का रेंज जीरो से पाई बाई टू तक ले ले और फाई का रेंज भी जीरो से पाई ले ले तो आपसे पूछे कि बताइए इसका डायरेक्टिविटी क्या होगा तो आप आसानी से इसका डायरेक्टिविटी निकाल सकते हो सबसे पहले क्या निकालोगे इसका पी पीरयड निकालोगे पी पीरयड क्या होगा सर तो पी पीरयड होता है हमारा ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन ईटा डिवाइड बाई क्या होता है ए पी कैप हो जाता है अंटीना कहाँ काम करता है हवा में काम करता है सर तो यानी इसका ई न आर एस कितना हो जाएगा हंड्रेड बाई आर साइन थीटा हो गया और आर एस वैल्यू को किससे डिवाइड कर देते हैं रूट टू से तो ये ई आर एस हो गया और साथ साथ आप जानते हो कि हवा का ईटा कितना आता है वन ट्वेंटी फाइव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है आर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड हंड्रेड बाई आर साइन थीटा आर एस वैल्यू है तो रूट टू से डिवाइड हो जाएगा ईटा वन ट्वेंटी किस डायरेक्शन में ए आर कैप में है, तो ए आर कैप आ गया अब यहां से तुमने क्या निकाल लिया इसका वैल्यू पी पीड निकाल लिया कितना मिला हंड्रेड बाई हंड्रेड रूट टूट ट्वेंटी टू कुछ आ जाएगा तो ये आ जाएगा टू से डिवाइड कर दो जो भी आए तो इसका वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ आप वैल्यू निकालोगे थर्टीन पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इन ए आर कैप आ जाएगा अब यहां से तुम क्या निकाल लोगे u थीटा फाइव निकाल लोगे u थीटा फाइव क्या होता है आर स्क्वायर पीराइड होता है अच्छी बात है सर आर स्क्वायर पीराइड करोगे तो क्या हो जाएगा थर्टीन पॉइंट इंटू साइन जाएगा अब यहां से u थीटा आ गया तो तुम्हारा डायरेक्टिविटी आसानी से निकल जाएगा अब तुम्हें क्या निकालना है यू थीटा फाइव का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कितना आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू सर तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा साइन का मैक्सिमम वैल्यू साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होता है पाई बाई टू पे होता है या ठीटा इजकल टू पाई बाई टू रेंज में है है सर तो पाई बाई टू पुट कर देंगे वन हो जाएगा जी सर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा थर्टीन पॉइंट टू फाइव जी सर अब उसके बाद से सर क्या निकालोगे डब्लू नॉट निकालूंगा क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है तो डब्लू नॉट क्या होता है सर U थीटा फाइव साइन थीटा डी थीटा डी फाइव कर देंगे अब यहाँ से फिर क्या करोगे थीटा का रेंज पुट कर दोगे तो हमारा कितना है थर्टीन पॉइंट टू फाइव और साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीठा इन डी फाइव चलो थीटा का रेंज जीरो से पाई बाई टू पाई का रेंज जीरो से टू पाई रख देंगे जी सर कितना आ जाएगा थर्टीन पॉइंट टू फाइव और डी फाइव का इंटीग्रेशन टू पाई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन टू बाई थ्री आ गया क्या सर जी सर टू बाई थ्री आ जाएगा टू बाई थ्री होगा कि टू होगा सॉरी टू होगा साइन स्क्वायर थीठा का इंटीग्रेशन देख लो तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ah, क्यूब हो जाएगा सॉरी साइन थीटा भी मल्टीप्लाई पे है ना तो साइन क्यूब जाएगा साइन क्यूब का इंटीग्रेशन हमारा होता है टू बाई थ्री तो साइन क्यूब थीटा डी फाइव हो जाएगा तो so, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा टू बाई थ्री तो so, यहां से कितना आ गया थर्टीन पॉइंट टू फाइव फोर बाई थ्री आ गया जी सर तो so, आपका डब्ल्यू नॉट आ गया यू फाइव का मैक्सिमम वैल्यू आ गया अब निकाल लो इससे वैल्यू क्या निकालना है इसे सर हमें डायरेक्टिविटी निकालना है डायरेक्टिविटी क्या होता है फोर पाई यू थीटा फाइव का मैक्सिमम वैल्यू और डिवाइड बाई डब्लू नॉट कर दो आ जाएगा आपका वैल्यू तो आपको क्या निकालना है फोर पाई यू थीटा का फाई का मैक्सिमम वैल्यू थर्टीन पॉइंट टू फाइव और डब्लू नॉट का वैल्यू थर्टीन पॉइंट टू फाइव फोर पाई बाई थ्री तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर फोर पाई फोर पाई कट गया ये कट गया आंसर क्या आ जाएगा थ्री आसान है कि नहीं बहुत आसान है सर आसान है कि नहीं बहुत आसान है सर देखो आसानी से तुमने निकाल लिया बहुत ही आसान है सर एक्सेस आसान है सर थ्री निकाल लिया डायरेक्टिविटी आ गया अब सोचो इस लेवल का कोई बच्चा सोच सकता है क्या नहीं सोच सकता वो कहेगा एंटीना का सवाल बहुत टफ आया था कहाँ टफ है मेरे भाई पी पीरैड निकालना जानते हो यू थीटा फाइव निकालना जानते हो उससे डायरेक्टिविटी निकाल लोगे मैक्सिमम वैल्यू डब्ल्यू नॉट निकालना है डायरेक्टिविटी आ जाएगा तो कितना आसान सा कैलकुलेशन आपको दे दिया बस आसानी से आपको कैलकुलेट करते जाना है स्टेप बाय स्टेप और डाटा आता जाएगा और आसानी से आप निकाल लोगे सबसे एंटीना ईजी है ही बाबू सबसे एंटीना ईजी है फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन आता है सबसे एंटीना ईजी है और आपका बोला ना एंटीना का पूरा पी वाई क्यू आपसे बन जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा दो तीन सवाल छोड़ के जो बहुत पुराने अठासी सतासी में पूछे हो गया कुछ है ही नहीं सर कुछ भी नहीं है आगे बढ़े चलिए तो यह एंटीना का डायरेक्टिविटी हमने आसानी से निकाल लिया अब डायरेक्टिविटी का और भी कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे ये क्वेश्चन दे दिया अब इसमें डायरेक्टिविटी निकालने का हम हाथ खड़ा कर देंगे भैया हमको तो नहीं पता इसमें यू थीटा टफाई तो दिया ही नहीं है हम कैसे निकालेंगे सर डायरेक्टिविटी इन दैट केस आपको डायरेक्टिविटी दिमाग लगाना है कि कौन सा लगाना है इस केस में डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला लगाओगे पाई ओमेगा इफेक्टिव क्योंकि यहां पे एंगल दिया हुआ है यहाँ पे एंगल दिया हुआ है पावर दिया होगा पावर वाले से डायरेक्टिविटी निकालेंगे एंगल दिया होगा एंगल वाले से निकालेंगे ये कैसा मेथड है अप्रोक्सीमेट मेथडिमेट वाला क्वेश्चन पूछेगा अब ओमेगा इफेक्टिव क्या है सर यहां पे ओमेगा इफेक्टिव होता है सर ठीटाई इन टू ठीठा एच होता है जी सर तो ठीटाई कितना सर टू डिग्री एच टू डिग्री तो टू डिग्री लेंगे क्या नहीं उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो इन टू पाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया दूसरा वाला भी टू डिग्री तो टू डिग्री अपॉन वन एट्टी डिग्री इन टू पाई कर दिया कहा कि सर आपने थीटा ही ठीठाई इसको बराबर क्यों ले लिया क्वेश्चन में एक ही एंगल दिया है तो बराबर ही लेकर चलेंगे यूनिफॉर्म कौन लिखा होगा लिखा होगा देखो कहीं लिखा है क्या डायरेक्टिविटी यूनिफॉर्म कौन नहीं लिखा है नहीं दिया है दोनों को सेम ले लेंगे सिंपल सी बात है ये सब अखबार सवाल कौन पूछ सकता है तो ये सी पूछ सकता है तो चलो ये सी के बहाने हम गेट के लिए देख लेंगे कैसा सवाल आएगा तो ऐसा ही सवाल आएगा गेट में भी थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज लिखा होगा तो बस समझ गए बात को अब क्या है हमारा ओमेगा इफेक्टिव आ गया ओमेगा इफेक्टिव कितना हो जाएगा सर तो फोर पाई नाइन्टी का स्क्वायर एटी वन हंड्रेड डिवाइड बाई पाई स्क्वायर तो एटी वन हंड्रेड पाई स्क्वायर अपॉन एटी वन हंड्रेड हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन एटी वन हंड्रेड अब आप डायरेक्टिविटी बस पुट कर दो वैल्यू फोर पाई अपॉन पाई स्क्वायर बाई एटी वन हंड्रेड निकाल लो तो पाई स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा फोर बाई पाई इंटू एटी वन हंड्रेड तो फोर बाई फाइव इंटू एटी वन हंड्रेड ये लगभग वन के बराबर यानी इक्यासी सौ सौ के अप्रोक्सीमेटली दस हजार मान लो डीबी में निकालना है बिना कैलकुलेटर का निकालना है तो समझो बात को आप इसको दस हजार मान लो दस हजार का dB में क्या होता है थर्टी dB के आसपास होता है तो तीस dB के आसपास यही आंसर है तीस dB है तो क्या हो जाएगा डी नॉट इंटू डी बी डी नॉट डी क्या हो जाएगा टेन लॉक टेन और डी नॉट ले लो जी सर हजार है हजार का क्या हो जाएगा दस हजार का चालीस dB हो जाएगा तो फोर्टी dB के आसपास आ जाएगा निकाल लो इससे फोर्टी dB के आसपास कोई है क्या फोर्टी डी जी सर दस हजार का फोर्टी डीबी होगा हो गया निकाल लो आप कल करके अगला क्वेश्चन देखो बाबू अगला क्वेश्चन बहुत आसान है क्या बोला इस केस में देखो आपको दो दे दो एंगल दे दिया कितना एंगल दे दिया दो जब दो एंगल दे दिया तो बहुत आसान हो गया सोच के देखो तुम खुद से जब दो एंगल दे दिया तो बहुत आसान हो गया कौन कौन सा एंगल दे दिया ई और एच दोनों दे दिया हो गया सवाल सॉल्व थीटा टाई e क्या हो जाएगा सर हंड्रेड इसको रेडियन में बदलना मत भूलना एक सौ अस्सी डिग्री इन टू पाई कर दो और थीटा एच में जी सर साठ डिग्री एक डिवाइड बाई एक सौ अस्सी डिग्री इंटू पाई कर दो थीटा एच आ गया ओमेगा इफेक्टिव यस सर ओमेगा इफेक्टिव क्या हो जाएगा ठीटाई इंटू थीटा एच e हो जाएगा निकाल लो बाबू वैल्यू निकाल लो वैल्यू जैसे ही ओमेगा इफेक्टिव निकाल लोगे तो सर डी नॉट निकाल लेंगे डी नॉट क्या हो जाएगा सर फोर पाई बाई ओमेगा इफेक्टिव हो जाएगा फोर पाई बाई ओमेगा इफेक्टिव निकाल लो चलो मैं काट कुट के देखता हूँ पाँच बटा नौ हो जाएगा तो फाइव पाई बाई नाइन हो जाएगा और छः बटा अठारह पाई बाई थ्री तो फाइव पाई बाई नाइन और पाई बाई थ्री जी सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइव पाई स्क्वायर बाई ट्वेंटी सेवन हो जाएगा रख दो फोर पाई फाइव पाई स्क्वायर बाई ट्वेंटी सेवन वैल्यू रख दो वैल्यू रखोगे तो पाई स्क्वायर पाई पाई कट जाएगा फाइव बाई फोर हो जाएगा ट्वेंटी सेवन इंटू फोर कितना होता है तो सत्ताईस दुनिया का चौवन एक सौ आठ एक सौ आठ बटा फाइव पाई हो जाएगा यस सर एक सौ आठ बटा फाइव पाई आ गया अब इसका डायरेक्टिविटी तुम निकाल लिए डीबी में पूछेगा डीबी में निकाल लोगे तो पांच पंद्रह पंद्रह छ सिक्स के आसपास आता है छ का डीबी में जानते हो गए शायद पांच डीबी आठ डीबी के आसपास आएगा जो भी आता होगा आप डल कैलकुलेट कर लो मैं भी आपके साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं भी आपके साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा वन जीरो एट डिवाइड बाई फाइव डिवाइड बाई पाई और इसका लॉग आंसर कर दो एट पॉइंट थ्री डी बी कौन सा आंसर हो जाएगा सर सी हो जाएगा सर जाएगा सी आ गया क्या सी जी सर आसानी से आ गया कुछ है इसमें नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिया है सर इस क्वेश्चन में सर हाफ और भिमिट दिया एकदम आसान क्वेश्चन है, है बाबू मैं बार बार बोलता हूं कि आसान क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन आपको टफ नहीं आएगा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दो ही क्वेश्चन लिया समझ गए तो आपने क्या क्या देखा देखो हमेशा याद रखना कि आप फॉर्मूला का शॉर्ट नोट्स बना लेना या तो तुम खुद से बना लो या तो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया गेटोपीडिया में अवेलेबल है वहां से तुम अवेलेबल है उसे बस डाउनलोड कर लेना देखना सारी बातें जो जो लिखा हो ना सब बातें आपको गेटोपीडिया वाले बुक में मिल जाएगा हर बात मिल जाएगा जो जो मैं लिखा हूँ बस उसको एक्सप्लेन करने वाला वो नहीं है तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है बस सारी बातें उसमें लिखी हुई है यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया क्या क्या पढ़ लिया रेडिएटेड पावर डेंसिटी रेडिएटेड पावर इंटेंसिटी सॉलिड एंगल टोटल पावर आइसोट्रोपिक एंटीना और साथ साथ क्या पढ़ लिया हमने डायरेक्टिविटी डायरेक्टिव गेन और डायरेक्टिविटी पढ़ लिया अब हमारा क्या काम है अगला हमारा सर काम है सर अब हमें आगे बढ़ेंगे क्या आगे बढ़ेंगे और करेंगे सर तो इफिशियंसी देखेंगे अब इफिशियंसी जाओगे तो जेडी क्रॉस की बुक उठा लो उसमें भी नहीं दिया होगा आप कोई सिंपल बुक उठा लोगे उसमें भी नहीं दिया होगा तो आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला कहीं जल्दी नहीं मिलने वाला है तो कहोगे सर आप कैसे सीखे हम एम टेक में सीखे एक बुक आती है सी ए बलानीस वहां पर यह सारी बातें लिखा हुआ है तो इफिशियंसी उसी को थोड़ा समझ में आएगा जो थोड़ा सा हमसे ट्रांसमिशन लाइन समझा होगा तो ट्रांसमिशन लाइन नहीं समझा है तो यहां पे मान लेगा अगर ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा है बेसिक पार्ट तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है बहुत छोटी मोटी बात है बस समझने की बात है ठीक है तो चलो देखते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है इफिशियंसी समझने के लिए सबसे पहले आपको लॉस रेजिस्टेंस समझना होगा कौन सा रेजिस्टेंस लॉस रेजिस्टेंस तो आप बताओ यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हो तो कि कौन सा हमारा ट्रांसमिशन लाइन है कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है अब ये ट्रांसमिशन लाइन क्या बन गया बाबू बाबूना बन गया ये ट्रांसमिशन लाइन वेव बन गया था कल तक ये ट्रांसमिशन लाइन अब बन गया तो बताओ ये यह बन गया तो मुझसे पूछा जाएगा कि चलो ये अंटीना है अच्छी बात है सर ये रेडिएशन कर रहा है अच्छी बात है सर तो इसका हमें लॉस रेजिस्टेंस निकालना होगा क्योंकि आगे हमें लॉस रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी अब लॉस रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है सरफेस रेजिस्टेंस को डिवाइड किया जाता है विथ से इसका नाम क्या होता है सेमी इन्फेनाइट पैरल प्लेट अब सेमी इनफाइट पैरल प्लेट या पैरल प्लेट प्लेट दे दिया तो आपको क्या करना है सिंपल सी बात है इसका सरफेस रेजिस्टेंस देखना है तो सरफेस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आरएस हो जाएगा आर क्या होता है सर ओमेगा म्यू अपन टू सिग्मा सी होता है तो देखिए यहां पे ओमेगा म्यू अपन टू सिगमा सी लिखा हूँ आर एस का वैल्यू फिर से लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी होती आरएस का वैल्यू आ गया जी सर अब आर एस का वैल्यू आ गया सरफेस देखेंगे सर एक सरफेस है एक सरफेस होगा तो आर एस बाई डब्लू हो जाएगा क्या हो जाएगा आर एस बाई डब्ल्यू और इसका लेंथ मान लो इस एंटीना का एल मान लेते हैं तो लेंथ एल है तो इस टू लेल कर दो तो ये आपका लॉस रेजिस्टेंस आ गया क्या आ गया लॉस रेजिस्टेंस ये क्या होता था हम लोग को याद करो ये हमारा होता था अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको याद होगा कि ये हमारा सरफेस रेजिस्टेंस होता था और सरफेस रेजिस्टेंस को लेंथ से डिवाइड कर देते थे तो पर यूनिट लेंथ आ जाता था और फिर इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा तो सरफेस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और इनटू लेंथ आ गया अगर दो सरफेस दिया होगा तो मान लो दो प्लेट दिया होगा तब क्या करोगे सर कुछ नहीं सर उसका 2rs कर देंगे तो 2rs/w हो जाएगा इनटू l ये हमारा लॉस रेजिस्टेंस आ जाएगा तो एक प्लेट दिया होगा तो rs/w l कर दोगे और अगर दो प्लेट दिया होगा टू आर एस बाई डब्ल्यू इन टूएल्व कर दोगे तो इस क्वेश्चन में केवल यही हमारा मेन है अगर जिसको लॉस रेजिस्टेंस निकालने आ जाएगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है बस यहीं पे आपको दिक्कत आएगी तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से समझ जाओगे आप क्या होने वाला अब गेट का क्वेश्चन यू चुटकियों में ना बना दिए तो कहना यू चुटकी में दो बार पूछा है लेकिन पहले धैर्य के साथ मेरा बातें सुनना पड़ेगा दूसरी बात अगर आती है अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये क्या होता है सर ये कोएक्सियल केबल होता है क्या होता है कोएक्सियल केबल ठीक है सर इसका सरफेस रेजिस्टेंस आर एस होगा आर एस कितना होगा सर वही होगा सर ओमेगा मीओपॉइन टू सी ओमेगा मीओपॉइन टू सी अब आर एस आ गया तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा सर तो आर एस अपॉन टू पाई है। एक है तो अगर दोनों है तो आर एस अपॉन टू पाई बी अगर मान लो एक ही दिया हो तो एक ही ले लेंगे दो दिया होगा तो दो ले लेंगे तो अगर मान लो एक सिलेंडर दिया है तो टू पाई ए से डिवाइड करेंगे दो सिलेंडर वाला दे दिया तो डिवाइड बाई टू पाई बी भी, भी कर देंगे वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैसा क्वेश्चन दिया है एक सिलेंडर वाला आर एस अपन टू ए दो सिलेंडर वाला आर एस अपन टू पाई बी ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ गया जी सर अब इसका लेंथ मान लो एल दिया हुआ है क्या लेंथ दिया हुआ है एल लेंथ दिया हुआ है तो इसके एल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा लॉस रेजिस्टेंस आ जाएगा तो लॉस रेजिस्टेंस आपको किसका पूछ सकता है इसका पूछ सकता है एक प्लेट दे दे तब दो प्लेट दे दे तब इसके बाद से लॉस रेजिस्टेंस आपको इसका पूछ सकता है एक दे दे तब दो दे दे तब दोनों का लॉस रेजिस्टेंस निकाल सकते हो उसके बाद से हमारा क्या आएगा उसके बाद से मान लो एक के केस में देखो मैंने निकाल दिया है एक के केस में क्या होगा आर एस डिस्टेंस टू पाइए डिवाइड बाई टू पाइए लेंथ एल टू एल हो गया लॉस रेजिस्टेंस इसी पे मैंने आपको सवाल दे देता हूं कहीं टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएगा कहीं भी मिल जाएगा आपको तो सबसे पहले क्या निकालोगे आर एस ओमेगा मी टू सिग्मा सी से। तो आर एल निकालोगे आर एल निकालोगे फार्मूला लगाना है आंसर पाना है अब मैं आपको इफिशियंसी समझाने जा रहा हूँ तो इफिशियंसी क्या होता है देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है एक बेस स्टेशन है यहाँ से तुम क्या कर रहे हो एक ट्रांसमिशन लाइन ले रहे हो और यहाँ पे क्या लगा दियो एंटीना लगा दियो दिख रहा है सबको अच्छे से बोलोगे यस सर यहाँ पे क्या है बेस स्टेशन मान लो तुम जैसे देखे हो घर पे कभी आप मोबाइल टावर के पास गए होगे कभी तो गए होगे गए मे भी इंजीनियर हो तो जा सकते हो तो जब मोबाइल टावर के पास जाओगे तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि एक बैटरी का सोर्स रहता है ऊपर काले रंग का केबल जाता है फिर ऊपर टावर पे अंटीना लगा होता है तो जो सोर्स है वो पावर दे रहा है और काले रंग का वो जो वायर गया है वो ट्रांसमिशन लाइन है और वहाँ पे एक कटोरा लगा है वो अंटीना है हो गया सर वही बात यहाँ पे है तो बेस स्टेशन से क्या होगा एक पावर जाएगा कितना पावर जाएगा सर तो पी ही जाएगा मैं थोड़ा अच्छा और पी डायग्राम बना देता हूँ पतला सा और अच्छा समझ में आएगा, आएगा आप लोग को तो बेस बेस स्टेशन क्या ले लिया यहाँ पे मैंने बेस स्टेशन ले लिया ये मेरा बेस स्टेशन हो गया बेस स्टेशन मतलब जनरेटर हो गया यहाँ से क्या होगा हमारा यहाँ से पावर जाएगा सर तो पावर यहाँ से हम लोग भेज देंगे यहाँ से हमने पावर भेज दिया किससे भेजा सर तो ट्रांसमिशन लाइन से भेजा फिर यहाँ पे क्या मिला सर यहाँ पे हमें एंटीना लगा दिया एंटीना लगाने के बाद से कहानी सोचने लगे तो यहाँ से हमारा पावर कुछ जाएगा सर कितना पावर जाएगा सर सर पीन जाएगा सर लेकिन जो ये पावर जा रहा है क्या ये पावर पूरा पहुँच जाएगा यहाँ पे? नहीं सर क्यों क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में कुछ लॉसेस होंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में कुछ लॉसेस होंगे तो यहाँ पे पावर क्या पहुंचेगा सर मान लो पीवन पहुंचेगा जब यहाँ पे पावर P1 वन पहुंचेगा तो उसको दो चीज़ें दिखेगी क्या दिखेगा सर ये एंटीना दिखेगा जिसका अपना एक इम्पिडेंस होगा जिसका नाम मैं जेडिन दे देता हूँ ये ट्रांसमिशन लाइन दिखेगा इसका एक अपना इंपीडेंस होगा Z0 जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे हमारा मिसमैच हो सकता है अगर मैच हुआ सारा पावर चला जाएगा अगर मिसमैच हुआ तो ये पावर कुछ ही पार्ट इसके एंटीना में जाएंगे कुछ रिफ्लेक्ट होगा कुछ ट्रांसमिट होगा मान लो इसमें मिसमैच है मिसमैच है तो कुछ पावर क्या होगा रिफ्लेक्ट कुछ पावर क्या होगा ट्रांसमिट जो ट्रांसमिट होगा उसका नाम क्या दे दिया डब्लू नॉट और यही पावर रेडिएट हो जाएगा यही पावर रेडिएट हो जाएगा कितना आसान सी बात है यहां से तुमने पीन दिया ट्रांसमिशन लाइन में लॉस हुआ पी वन पी वन पहुंचा रिफ्लेक्शन होगा और कुछ ट्रांसमिशन होगा ट्रांसमिशन कितना होगा डब्लू नॉट हो गया पूछोगे कि, कि सर इसमें कौन सा लॉस होगा सर तो सर ट्रांसमिशन लाइन में दो तरह के लॉसेस होते हैं कौन कौन सा लॉस होता है सर कंडक्टर लॉस और डायलैक्ट्रिक लॉस यानी इस ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास दो तरह के लॉसेस होंगे कंडक्टर लॉस और डायलैक्ट्रिक लॉस कंडक्टर लॉस की बात करते हैं कंडक्टर लॉस किसके कारण आता है सरफेस रेजिस्टेंस के कारण सरफेस रेजिस्टेंस कितना होता है ओमेगा म्यू अपॉन टू सिग्मा सी जी सर इसके कारण एक रेजिस्टेंस आता है जिसका नाम क्या होता है आर ए आर आर एल लॉस रेजिस्टेंस आता है क्या आर एस से आपको आर एल निकालना सिखा दिया जी सर क्या होता है आर एस अपन डब्ल्यू इन टू एल टू आर एस अपन डब्ल्यू इन टू एल आर एस अपन टू पाई इन टू एल ये सब निकालना आपको सिखा दिया लॉस रेजिस्टेंस से यानी कंडक्टर लॉस की बातें हम लोग कर सकते हैं दूसरा कौन सा लॉस होता है सर इसमें ट्रांसमिशन लाइन में सर डायलैक्ट्रिक लॉस होता है डायलेक्ट्रिक लॉस क्यों होता है सर डायलैक्ट्रिक लॉस हमारा सिग्मा डी के कारण होता है अगर सिग्मा डी नॉन जीरो होगा तो इसका कंडक्टिविटी नॉन जीरो होगा ठीक है तो इसके कारण क्या आएगा कंडक्टिविटी आएगा जो हमारा क्या देगा लॉस देगा लेकिन मैंने आपको बताया कि क्या हम अच्छा डायलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं जी सर कैसा डायलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं सर टेफलॉन यूज कर सकते हैं अगर मैं टेफलॉन यूज कर लेता हूं तो मेरा डायलेक्ट्रिक लॉस जीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि टेफलॉन का हमारा कंडक्टिविटी जीरो होता है तो अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन में टेफलॉन यूज कर लूँ तो जीरो हो जाएगा इन दैट केस हमारा लॉस जीरो हो जाएगा इसीलिए देखे होगे कि जो टावर पे जाता है वायर वो सिंपल वाला वायर नहीं होता है बहुत महंगा का वायर होता है काले कलर का जाता है जब उसे आप देखोगे खोल के तो उसमें क्या मिलेगा आपको उसमें आपको व्हाइट कलर का डायलैक्ट्रिक मिलेगा वो डायलैक्ट्रिक क्या होता है टेफलॉन होता है यानी टेफ्लॉन के कारण यहाँ पर लॉसेस कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया टेफलॉन यूज कर लिया टेफ्लॉन यूज कर लूंगा तो सिग्मा डी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और सिग्मा डी जीरो हो जाएगा तो लॉस जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे लॉस जीरो हो जाता है अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कंडक्टर लॉस जीरो नहीं हो सकता है ज़रूर हो सकता है साहब कब हो सकता है सर जब परफेक्ट कंडक्टर यूज़ कर लूँगा परफेक्ट कंडक्टर क्या होता है सर तो गोल्ड और सिल्वर होता है तो अगर मैं गोल्ड और सिल्वर यूज कर लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा कंडक्टर लॉस जीरो हो जाएगा तो पता चला कि हम गोल्ड और सिल्वर का वायर लगा के हमने टावर के पास लगाया पता चला कि रात को टावर ही गायब हो गया क्या गायब हो गया टावर ही गायब हो गया मतलब आपका मोबाइल में अंटीना ही नहीं आ रहा है कोई पावर ही नहीं आ रहा है कोई आपको रिसीव ही नहीं हो रहा है सिग्नल काहे भाई टावर ही वायर ही चोरी हो गया क्यों तो ऐसा तो चोरी होता ही है हमारे यूपी बिहार और एमपी में मिल जाएगा चाहे कहीं और मिल जाएगा तो कहीं भी नहीं बचेगा ऐसे तो इंडिया किसी भी कोना में नहीं बचेगा कहीं भी, भी नहीं बचेगा पाकिस्तान में तो और नहीं बचेगा तो क्या होगा उसके तो वायर ही चोरी हो जाएगा क्यों भाई उसमें सोना है सब छिल छाल सोना निकाल लेंगे यार धराम से ना पैसा वैसा पॉकेट में आए शाम को मस्त है कि नहीं वही कहानी होगी यहाँ पे तो क्या हो गया सोने का तो वायर नहीं लगा सकते तो किसका वायर लगाएंगे भाई तो हम लोग वायर लगाएंगे सर कॉपर ब्रास सिल्वर इसका कॉपर और ब्रास का लगा सकते हैं आजकल तांबा भी बहुत महंगा हो गया है तो ब्रास का भी नहीं यूज़ कर पाते हैं तो किसका यूज करेंगे सर कॉपर का यूज करेंगे कॉपर क्या होता है सर गुड कंडक्टर होता है गुड कंडक्टर होता है तो यानी उसके कारण लॉस होगा ही होगा और वो लॉस क्या कहलाएगा कंडक्टर लॉस कहलाएगा यानी डायरेक्ट्रिक लॉस को खत्म कर सकते हैं कंडक्टर लॉस को नहीं ख़त्म कर सकते तो यानी इफिशंसी इसके कारण रिड्यूस होगी यानी यहाँ पर कंडक्टर लॉस होगा जो कि पावर पीवन यहाँ पे पहुँचने देगा हमारा पावर टोटल पी नहीं पहुंचेगा समझाए तो बातें आपको समझ में आ रही है अब ये सब क्वेश्चन आप सर इस पे गेट में कैसा क्वेश्चन आएगा जब समझे लोगे तभी तो ना गेट का सवाल बनाओगे तो देखो समझते हैं अब हम लोग फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो टेंजेंट टेफलॉन है टेंजेंट लॉस जीरो हो गया जी सर अब यहां पे तो बात आती है इफिसियंसी की जी सर इफिशियंसी क्या होगा सर अगर मेरा कंडक्टर लॉस जीरो हो जाए तो इफिसियंसी डू टू कंडक्टर वन हो जाएगा कंडक्टर लॉस जीरो हो गया इसका मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा है मतलब जो इनपुट पावर दे रहे है, वही आउटपुट पावर आ रहा है यानी कंडक्टर लॉस क्या हो जाएगा वन हो जाएगा अगर मान लो मेरा परफेक्ट कंडक्टर यूज कर लिए तो इफिशियंसी डू टू कंडक्टर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा अगर हम लोग परफेक्ट कंडक्टर ना यूज करके कॉपर यूज कर लिए तो इफिशियंसी वन से छोटा हो जाएगा तो यानी हमारा कंडक्टर लॉस के कारण इफिशियंसी लेस देन वन होगा जी सर दूसरा डायलेक्ट्रिक लॉस अच्छा डायलेक्ट्रिक यूज कर लिया गुड डायलेक्ट्रिक या परफेक्ट डायलेक्ट्रिक यूज कर लिया जैसे लिएफलॉन यूज कर रहा है तो डायलेक्ट्रिक लॉस वन हो जाएगा जीरो हो जाएगा यानी इफिशियंसी डू टू डायलेक्ट्रिक लॉस वन हो जाएगा इफिशियंसी डू टू डायलेक्ट्रिक लॉस वन हो जाएगा इसका मतलब हमारा इफिशियंसी हंड्रेड परसेंट मिलेगा जी सर अगर यहाँ पे मैच कंडीशन यूज कर लिए तो मैच कंडीशन यूज कर लिए इन दैट केस में भी हमारा इफिशियंसी वन हो जाएगा अगर मैच कंडीशन नहीं हुआ तो कुछ इफिशियंसी होगा वही बातें हम लोग समझने वाले हैं तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इफिशियंसी वन होता है कब जब परफेक्ट कंडक्टर यूज कर लेंगे इफिशियंसी जीरो से वन होता है कब जब हम लोग कंडक्टर लॉस होगा इफिशियंसी डायलैक्ट्रिक कारण जीरो से वन होगा कब जब हमारा परफेक्ट कंडक्टर परफेक्ट डायलेक्ट्रिक नहीं यूज होगा तो इफिशियंसी वन कब हो जाएगा जब परफेक्ट डायलेक्ट्रिक यूज कर लेंगे तो, तो हमारा इफिशियंसी कंडक्टर लॉस के कारण कितना होता है आर आर अपन आर आर प्लस आर एल आर आर क्या होता है सर आर आर होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस आर एल क्या होता है लॉस रेजिस्टेंस सर आर आर कैसे निकालेंगे हम आगे आपको पढ़ाएंगे आर आर निकालने का रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालने का वहां पे ये सवाल आपको बनवाएंगे अभी हम सिंपल से बातें पूछ रहे हैं क्या लॉस रेजिस्टेंस निकालना जानते हो जी सर तो लॉस रेजिस्टेंस से आप इफिशियंसी निकाल लोगे जी सर तो आपको लॉस रेजिस्टेंस और आर आर मिल जाए किसी भी तरीके से तो आप इफिशियंसी आसानी से निकाल लोगे जी सर तो गुड कंडक्टर का एफिशियंसी हम इफिशियंसी हम लोग निकाल सकते हैं तो यानी हम लोग एफिशिएंसी ईसीडी निकाल सकते हैं दूसरा हमारा क्या होता है एफिशिएंसी ड्यू टू रिफ्लेक्शन अब रिफ्लेक्शन के कारण एफिशिएंसी देख लेते हैं तो यहाँ पे पावर कौन जा रहा है ट्रांसमिटेड पावर जा रहा है और ट्रांसमिटेड पावर किससे मल्टीप्लाई होता है पीटी अपॉन पीआई क्या होता है आप बता सकते हो जी सर पीटी अपॉन पीआई जो होता है 1 माइनस गामा स्क्वायर के बराबर होता है अगर गामा जीरो हो गया तो क्या होगा सर पीटी अपन पी आई वन हो जाएगा यानी पी टी और पी आई बराबर हो जाएंगे अगर परफेक्टली मिसमैच हो गया तो वन हो जाएगा गामा और गामा वन हो जाएगा तो पी टी जीरो हो जाएगा तो यानी परफेक्टली मैच्ड है तो वन हो वन माइनस वन हो जाएगा परफेक्टली मिसमैच है तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा अगर मिसमैच है तो वन माइनस गामा स्क्वायर हो जाएगा यानी इफिशियंसी ड्यू टू रिफ्लेक्शन कितना मिलने वाला है हमें वन माइनस गामा स्क्वायर मिलेगा तो यहां पे हमारा रिफ्लेक्शन क्या होगा स्क्वायर और कब होगा जब हमारा परफेक्टली मैच कंडीशन होगा इफिशियंसी जीरो से वन कब होगा जब मिसमैच कंडीशन होगा इफिशियंसी जीरो कब हो जाएगा रिफ्लेक्शन के कारण जब हमारा क्या हो जाए कंप्लीटली मिसमैच हो जाए तो कंप्लीटली मिसमैच में गामा वन हो जाता है तो पीटी कुछ पहुंचेगा नहीं तो ये आ जाएगा कहानी उसके बाद से जैसे ही आपको इफिशियंसी आ गया अब आप इसका टोटल इफिशियंसी निकाल सकते हो क्या निकाल सकते हो टोटल इफिशियंसी कैसे निकालोगे देखो सिखा रहा हूं मैं आपको टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा टोटल इफिशियंसी देखो तो टोटल इफिशियंसी हमें निकालना है जी सर टोटल इफिशियंसी पहले हम लोग इफिशियंसी ड्यू टू कंडक्टर लॉस और डायलैक्ट्रिक लॉस देखेंगे सी ड्यू टू कंडक्टर लॉस डायलेक्ट्रिक लॉस हो गया जो कि किसके बराबर हो जाएगा इफिसियंसी ड्यू टू कंडक्टर लॉस इन टू लॉस हो जाएगा परफेक्ट डायलेक्ट्रिक यूज कर लिए तो ये वन हो जाएगा इफिसियंसी ड्यू टू कंडक्टर हो जाएगा इफिसियंसी ड्यू टू कंडक्टर कितना होता है आर आर अपॉन आर आर प्लस आर एल होता है आगे चल के मैं आपको डिराइव कर दूंगा जी सर इफिशियंसी ड्यू टू क्या हो गया कंडक्टर लॉस डायरेक्ट्रिक लॉस के कारण डायरेक्ट्रिक लॉस वन हो जाता है क्यों क्योंकि डायरेक्ट्रिक लॉस हमारा जीरो किया जा सकता है टेफलॉन यूज करके चलिए फिर हमारा ई आर ER होगा ई ER आर क्या हो जाएगा वन माइनस गामा स्क्वायर हो जाएगा जी सर आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद से मैं पूछूं यहां पे पावर क्या है पीन यहाँ पे पावर क्या है डब्लू नॉट यानी टोटल इफिशियंसी क्या होगा सर डब्ल्यू नॉट अपन पिन होगा सर डब्लू नॉट अपॉन पिन होगा जी सर तो डब्लू नॉट अपॉन क्या आ गया पीन आ गया देखा आपने डब्ल्यू नॉट अपॉन पी इन आ गया तो यहाँ से डब्ल्यू नॉट अपॉन पीन हमने निकाल लिया अब यहाँ पे पावर दो तरीके से डिवाइड हो रहा है एक लॉस हो रहा है जी सर लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो रहा है तो लॉस तो हो रहा है तो ई सी डी निकाल लेंगे तो ई सी डी क्या है लॉस के कारण है कंडक्टर लॉस और डायरेक्ट्रिक लॉस के कारण हो रहा है इसका आउटपुट पावर पी वन इनपुट पावर पी इन जी सर दूसरा आपसे सवाल पूछूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर यहाँ पे हमारा सर रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है यानी ट्रांसमिटेड पावर डब्लू नॉट इनपुट पावर पी वन ये हमारा ई ER आर हो जाएगा कंडक्टर तो, लॉस में आउटपुट पावर पी वन और इनपुट पावर पी एन यहाँ पे मिसमैच के कारण आउटपुट पावर डब्लू नॉट इनपुट पावर पी वन डब्लू नॉट अपॉन पी वन हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ई सी डी ई आर क्या हो जाएगा ई सी डी ई आर हो जाएगा डब्लू नॉट अपॉन पी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई करोगे पी वन पी वन कट जाएगा डब्लू नॉट अपन पी इन आ जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा सर ये ई टी के बराबर हो जाएगा ये ई टी के बराबर हो जाएगा यानी टोटल इफिशियंसी क्या होता है ई सी डी इंटू ई आर तो यही बात हमने यहाँ पर सीखा है टोटल इफिशियंसी क्या होता है ई सी डी ये होता है क्योंकि ई डी वन हो जाता है और टोटल इफिशियंसी ई सी डी इन ई आर होता है जी तो हो सर यानी हमारा टोटल इफिशियंसी क्या होता है टोटल इफिशियंसी होता है डब्लू नॉट अपन पी इन तो डब्ल्यू नॉट क्या होगा सर डब्लू नॉट हो जाएगा हमारा इंटू पी इन जी सर ई टी इंटू पी इन हो गया इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं रेडिएटेड पावर क्या होता है radiated power. क्या होता है radiated power. और पीन हमारा इनपुट पावर होता है पीन हमारा इनपुट पावर होता, होता है तो ये इनपुट पावर हो गया और ये रेडिएटेड पावर हो गया तो इनपुट पावर और रेडिएटेड पावर के बीच में आपने रिलेशन निकाल लिया जी सर किसके, किसके बीच में रिलेशन निकाल लिया इनपुट पावर और रेडिएटेड पावर के बीच में आसानी से निकाल लिया कि नहीं डब्ल्यू नॉट अपन पीन डब्ल्यू नॉट सर अब गेन और डायरेक्टिविटी में, में रिलेशन लाना है वो भी ला सकते हैं गेन और डायरेक्टिविटी में रिलेशन लाना है वो भी ला सकते हैं हम लोग कैसे लाएंगे देखो यहां पे ये सब किताब में दे डायरेक्ट दे देता है बाबू समझाता नहीं है समझा देता तो कितनी अच्छी बात होती तो देखो डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है तो बता दोगे सर डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला सर फोर पाई इन टू यू टीटा फाइव का मैक्सिमम वैल्यू अपॉन डब्लू नॉट तो किसके रिस्पेक्ट में डायरेक्टिविटी देखा जाता है रेडिएटेड पावर किधर रेडिएट करेगा ज्यादा वो डायरेक्टिविटी बताएगा किधर रेडिएट करेगा ज्यादा वो डायरेक्टिविटी बताएगा और पावर गेन क्या होता है सर तो पावर गेन होता है हमारा फोर पाई इन टू यू थीटा फाइव और यहां पे कौन सा पावर ले लेंगे सर यहां पे पावर ले लेंगे इनपुट पावर सर कौन सा पावर ले लेंगे इनपुट पावर तो यहां पे हमने इनपुट पावर मार लिया इनपुट पावर कितना है सर पीन है पीन से डिवाइड कर दिया तो गेन जो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई पीन यू थीटा फाइव का मैक्सिमम वैल्यू अपन पीन डब्लू नॉट के रेस्पेक्ट में डी नॉट देखा जाता है द इन के रेस्पेक्ट में गेन देखा जाता है तो पावर गेन के जो होता है वो क्या होता है हमारा पी के रेस्पेक्ट में होता है और डायरेक्टिविटी जो होता है वो डब्लू नॉट के रेस्पेक्ट में होता है अब तुमको क्या करना है तुमको डब्ल्यू नॉट रख देना पी इन के रेस्पेक्ट में रख सकते हो जी सर तो क्या हो जाएगा फोर पाई अपो इन टू यू टी फाइव का मैक्सिमम वैल्यू और क्या हो जाएगा डिवाइड बाई डब्लू नॉट की जगह पे ईटी इन टू पी रख दोगे क्योंकि इफिशियंसी इनटू पिन क्या होता है डब्लू नॉट होता है जी सर और जैसे ही इफिशियंसी इनटू पिन निकाल लिया है हाँ अब तुम क्या निकाल लोगे ये वैल्यू जो होता है वो गेन होता है जी सर तो ये हो जाएगा डी नॉट इक्वल टू जीपी नॉट अपॉन ईटी जी सर और यानी जीपी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इटी इंटू डायरेक्टिविटी इटी इंटू डायरेक्टिविटी लो आपने गेन और डायरेक्टिविटी के बीच में रिलेशन निकाल लिया यही आप पढ़ते हो आप किताब में जी इज इकल टू के डी जी, जी टू के डी तो यानील टू क्या होता है इफिस इन टू डायरेक्टिविटी सर तो सर हम क्या क्या पढ़ लिए देखो अभी हम आपको रिविजन करा देते हैं क्या क्या पढ़ लिए उसके बाद से हम आपको समझाना स्टार्ट कर देंगे पहला मैं पूछूंगा आप बताते जाओगे ईसी क्या होता है सर इफिशियंसी ड्यू टू कंडक्टर लॉस ईडी क्या होता है सर इफिशियंसी ड्यू टू डायलैक्ट्रिक लॉस EC1 कब होगा सर जब हम अच्छा कंडक्टर यूज कर लेंगे अच्छा कंडक्टर मतलब सिल्वर और गोल्ड यूज कर लेंगे तो इफिशियंसी वन हो जाएगा क्योंकि सिल्वर और गोल्ड यूज करेंगे तो कंडक्टर लॉस जीरो के लगभग होगा तो इसके कारण हमारा इफिशियंसी कंडक्टर लॉस के कारण वन हो जाएगा जी सर तो कंडक्टर लॉस का जीरो हो जाएगा तो इसीलिए इफिशियंसी वन हो जाएगा ईडी कब वन होगा सर ईडी वन होगा जब हमारा अच्छा डायलैक्ट्रिक यूज कर लेंगे मतलब टेफलॉन यूज कर लेंगे तो ईडी वन हो जाएगा इसी से के बीच में कब होगा सर जब हम गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर यूज करेंगे मतलब कॉपर ब्रास यूज करेंगे तो से वन के बीच में होगा अगर गुड डायलेक्ट्रिक यूज करें अच्छा डायलेक्ट्रिक यूज करें परफेक्ट डायलेक्ट्रिक ना यूज करके अच्छा डायलेक्ट्रिक यूज करें तो हमारा इफिशियंसी जीरो से वन के बीच में होगा लियनली हम, मतलब, तो हो। अच्छा अच्छा तो हो। हम लोग क्या होता है परफेक्ट डायलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं तो जो हमारा ईसीडी होता है वो क्या होता है ईसी इन होता है ED हमारा वन के बराबर हो जाता है तो ई क्या हो जाता है आर आर अपन आर आर प्लस आर एल हो जाता है कैसे आता है जब रेजन रेजिस्टेंस पर आऊंगा तब बता दूंगा तो आर आर प्लस आर एल हो गया जी सर दूसरा एक हमारा रिफ्लेक्शन के कारण होता है वन माइनस गामा स्क्वायर परफेक्टली मैच्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा वन माइनस जीरो वन हो जाएगा अगर मिसमैच हो गया तो जीरो से वन के बीच में होगा कंप्लीटली मिसमैच हो जाएगा वन माइनस वन जीरो हो जाएगा ठीक है सर टोटल इफिशियंसी क्या होता है सर सर टोटल इफिशियंसीडी इंटू ई आर होता है जी सर और अगला अगला क्वेश्चन पूछू तो डब्ल्यू नॉट क्या होता है सर ई टी इंटू पी इन हो जाता है कैसे डिराइव होता है बता चुका हूं और डायरेक्टिविटी क्या होता है सर तो डायरेक्टिविटी सर गेन क्या होता है तो गेन हमारा सर डायरेक्टिविटी इन डायरेक्टिविटी इंटू क्या हो जाता है हमारा इंटू e, डायरेक्टिविटी हो जाता है तो यही बातें आपको समझ के रखना है इसी से क्वेश्चन बनेगा इसी से क्वेश्चन बनेगा आसानी से ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं अब गेट का क्वेश्चन उठाते हैं इसका क्वेश्चन उठाते हैं गेट का ये डीबी में निकालने का तरीका तो आपको समझा दिया हूं चलिए गेट का क्वेश्चन उठाते हैं क्या क्वेश्चन में बोला देखिए पढ़ के आप लोग क्या क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन में, में बोला है कि हमारा एक लॉसलेस एंटीना है जिसका डायरेक्टिव गेन सिक्स डीबी है अच्छी बात है कितना इनपुट पावर है सर फाइव सिक्स मिली है और क्या बोला है हमारा पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना रेडिएटेड पावर पूछ रहा है मतलब मतलब इनपुट पावर दे दिया है कितना दिया है सर इनपुट पावर सर इनपुट पावर वन मिली वाट दिया है अच्छी बात है डायरेक्टिव गेन दिया हुआ है यानी डायरेक्टिव कितना हो जाएगा तो टेन लॉक टेन क्या हो जाएगा टेन लॉक टेन डी हो जाएगा जी सर ये कितने के बराबर दिया है सर सिक्स के बराबर दिया है यानी डी कितना हो जाएगा टेन टू पावर पॉइंट सिक्स हो जाएगा जी सर लगभग ट्वेंटी के बराबर आ जाएगा आई थिंक सो ट्वेंटी के बराबर आ जाएगा ना <coughs> देख लेना ट्वेंटी के बराबर आ जाना चाहिए ट्वेंटी या हंड्रेड के बराबर जो भी हो तो ट्वेंटी के बराबर ही आ जाएगा आई थिंक सो देख लेना कितना आएगा टेन या ट्वेंटी तो ये आ गया पॉइंट सिक्स से डिवाइड कर दोगे मान के चलो आ गया तो डायरेक्टिविटी आ गया जी सर अब तुमसे क्या पूछा है डब्लू नॉट पूछा है तो डब्लू नॉट इक्वल टू क्या होता है सर तो ई टी इंटू पी इन होता है सर डब्ल्यू नॉट पूछा है तो ई टी इन टू पी इन हो जाएगा अब 80 e. p इन आपको निकालना है 80 e. p इन कैसे निकालोगे सर आसानी से निकाल लेंगे सर कैसे निकालोगे सर तो 80 e. p इन हमारा होता है सर ये 4 हो जाएगा हाँ तो 80 p इन हम लोग करेंगे p इन हमें पता है et हमें निकालना है et क्या होता है सर तो सर et ecd er होता है ecd er होता है ecd 1 हो जाएगा क्यों क्योंकि लॉसलेस एंटीना दिया हुआ है तो लॉसलेस एंटीना है यानी हमारा क्या हो जाएगा लॉसलेस एंटीना है तो यानी हमारा ई सी हो जाएगा जी सर रिफ्लेक्शन के बारे में इम्पिडेंस कहीं दिया है नहीं सर इम्पिडेंस नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे वन मानोगे मेस्ट कंडीशन मानोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे ई e को वन मान लेंगे जब कुछ दिया ही नहीं इम्पिडेंस तो हम लोग वन मान लेंगे यानी ई आर हो गया बाय डिफॉल्ट ई आर वन ई जी सर ई आर वन ई हो गया तो आप क्या निकाल सकते हो सर अब हम लोग सर निकाल सकते हैं डब्ल्यू नॉट तो डब्ल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर तो डब्ल्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई टी इन टू पी और ई टी का वैल्यू वन हो गया तो ई टी का वैल्यू वन हो गया तो ये पी के बराबर हो जाएगा यानी पी के बराबर हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा हमारा पहलू हंड्रेड मीट वन मिलीवाट है वन मिलीवाट ले लेंगे आंसर तो पूछोगे सर ये क्वेश्चन क्यों दिया आपको ये एनालाइज करने के लिए दिया आपको डायरेक्टिविटी ऐसे हल्के में दे दिया कहा कि बना के दिखाओ क्या दे दिया हल्के में दे दिया और बोला बना के दिखाओ ऐसे क्वेश्चन दे देता है समझ गए कुछ लोग क्या करते हैं डब्ल्यू नॉट अपन पी इन इजकल टू डी लिख देते हैं और उससे वैल्यू निकालते हैं हम भी निकाल सकते थे फोर टाइम्स करके फोर मिली बाट हो जाएगा और डिवाइड बाई फोर टाइम्स करके वन बाई फोर मिली बाट हो जाएगा देखो फोर टाइम्स या वन बाई फोर टाइम्स दोनों दिया हुआ है दोनों के निकाल लेते हैं लोग तो ये समझो इफिशेंसी का खेला इफिशियंसी अगर जो नहीं जानता होगा क्या ये क्वेश्चन टच कर पाता नहीं कर पाता भाई

क्या चेंज कर दिया ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग वन वाट मतलब इनपुट पावर वन है फीडिंग वन वाट यानी इनपुट पावर वन है सर चलो अच्छी बात है वन है जी सर और इस बार क्या दे दिया उसने डायरेक्टिव गेंद दिया था चल मैं गेंद दे देता हूँ क्या दे देता हूँ गेंद दे देता हूँ तो गेंद कितना दे दिया टेन डीबी दे दिया तो गेंद हमारा टेन डीबी है तो गेंद हमारा हो जाएगा टेन पावर वन टेन हो जाएगा जी सर डीबी का उल्टा करोगे तो टेन आ जाएगा जी सर एंटीना क्या दिया? दे दिया मैच्ड कंडीशन दे दिया एंटीना को मैच्ड कंडीशन दे दिया इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया सर ईआर आर वन हो जाएगा मैच्ड कंडीशन है तो ईआर आर वन हो जाएगा क्योंकि गामा जीरो हो गया जी सर मैच्ड कंडीशन है मैच्ड कंडीशन में गामा जीरो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो ई ER आर हो गया ई ER आर हो गया तो सर ई क्या होगा ई सी डिफॉल्ट वन लेंगे जब कुछ नहीं लिखा है लॉसलेस लॉसलेस तो क्या लेंगे बाई डिफॉल्ट वन ले लेंगे बाय डिफॉल्ट वन ले लिया जी सर तो लो भैया ई क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ई टी हो गया तो पी इन क्या हो जाएगा सर पी इन इसके इसमें हमारा सॉरी डब्लू नॉट क्या हो जाएगा सर तो डब्लू नॉट हमारा ई टी इन पी इन होता है ई टी तो वन हो गया जी सर ई टी वन हो गया तो पी इन क्या हो जाएगा पी इन के बराबर हो जाएगा पी इन कितना है सर पी इन हमारा डब्लू नॉट वन बाट है वन बाट आंसर हो जाएगा पी इज द आंसर समझे कितना आसान है आपको समझना है आप सोचोगे कि एक दिन में सीख जाऊंगा नहीं थोड़ा बोला समय देना पड़ेगा एक बार पढ़ो लिखो फिर दोबारा पढ़ो तेबारा पढ़ो तीसरा बार बना है तो करना को बदल देना। सीखो। आपके लिए पूरा टर्म ही एंटीना का नया है टफ नहीं है नया है और नया है तो उसे बनाना मुश्किल हो जाता है और इसमें किताबों में अलग अलग जगह अलग अलग हॉजपच दिया हुआ है और अलग अलग हॉजपच दिया है तो फिर हॉजपच ही में चलता है दुनिया उस हज को बदलना है हमें उसको कैसे बदलोगे तो इस तरह से बदलोगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया है सर एक अंटीना है ठीक है सर इनपुट इंपिडेंस 73 ओम दिया हुआ है लॉस लाइन कनेक्टेड टू है? इतना ओम लाइन यानी जेड नॉट दिया हुआ है क्या बोला है लॉसेस दूसरा इग्नोर कर दो मतलब ई को वन मार लो क्या बोला है इफिस पूछ रहा है आसान है तो दूसरा को लॉसेस को वन मान लिया क्योंकि इग्नोर करने को बोला है लॉसेस इग्नोर करने को बोला इसी डी वन हो गया अब गामा निकालेंगे गामा क्या होता है जेड इन माइनस जेड नॉट जेड इन प्लस जेड नॉट पढ़े हो कि नहीं जी सर जेड इन कितना दिया तिहत्तर माइनस पचास डिवाइड बाई तिहत्तर प्लस पचास कितना हो जाएगा सर तेईस बटा एक सौ तेईस हो जाएगा तेईस बटा एक सौ तेईस अब यहाँ से गामा आ गया तो ई ER आर क्या होगा सर वन माइनस तेईस बटा एक सौ तेईस का होल स्क्वायर और इसको हंड्रेड परसेंट से मल्टीप्लाई कर देना अगर परसेंटेज में दिया होगा तो इसमें दिया है परसेंटेज में नहीं दिया सिंपली दिया सिंपली दिया है तो इसको ऐसे ही रहने दो हो गया आंसर हो गया आंसर देखो कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई वन ट्वेंटी थ्री स्क्वायर माइनस वन कितना है पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स फाइव इज़ द आंसर इज द आंसर देख लिया आपने कितना आसानी से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया चलिए आगे देखते यह क्वेश्चन काफी अच्छा है बेहतरीन सवाल है अंटीना का सबसे बेहतरीन सवाल में से बोल सकते हैं सारे पी वाई क्वेश्चन है बाप ये सवाल भी क्या है बेहतरीन है कैसे बेहतरीन है सर बताइए बहुत ही अच्छा सवाल है इसको सोच पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था क्या क्वेश्चन में बोला है पढ़िए बाप पढ़ के डायमीटर ऑफ द एंटीना ऑफ ए लेमडा बाई टू डाइपोल्टीना इज इंक्रीज टू लेमडा बाई हंड्रेड टू लेमडा बाई क्या बोला है फिफ्टी यानी डायमीटर को इंक्रीज कर रहा है तो ये मेरा एक एंटीना होता है देखा आपने एंटीना जी सर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यह एंटीना होता है जी सर यह एंटीना हो गया ये हमारा क्या हो गया एंटीना हो गया <coughs> इसका क्या कर रहा है डायमीटर को इंक्रीज कर रहा है इसका लेंथ कितना है सर लेमडा बाई टू है और इसका डायमीटर कितना है तो डायमीटर बोला है सर लेमडा बाई हंड्रेड से लेमडा बाई फिफ्टी इसका डायमीटर डी ले लेते हैं तो डायमीटर क्या कर रहा है लेमडा बाई हंड्रेड से लेमडा बाई फिफ्टी कर रहा है डायमीटर को स्मॉल डी ले लेता नहीं तो डायरेक्टिविटी हो जाएगा तो लेमडा बाई फी हंड्रेड से लेमडा बाई फिफ्टी कर रहा है जी सर डायमीटर को तो अब हमसे पूछ रहा है कि गेन और बैंडविथ में क्या अंतर होगा सिंपल सी बात है सिंपल सी दुनिया समझते हैं इसको जी सर तो गेन की बात किया तो गेन यानी इफिशियंसी निकालना पड़ेगा तभी गेन की बात कर पाएंगे तो गेन की बात करना है मतलब इफिशियंसी की बात करना है इफ़िशेंसी की बात करना है मतलब ई ER आर और ई की बात करना है ई ER आर में हमारा कोई चेंज दिखेगा नहीं क्योंकि ई ER आर हमारा इससे कुछ है नहीं हमको ई ER आर का फॉर्मूला में कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका इनपुट इंप, इम्पिटेंस का कोई रिलेशन हमें इसमें होता नहीं है तो यानी हमारा यहाँ से ई ER आर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर ER में फर्क कब पड़ता है जब इस लेंथ को चेंज करता है क्योंकि इस लेंथ को चेंज करेगा तो इसका इम्पिडेंस चेंज होगा और इसका इम्पिडेंस चेंज होगा तो हमारा क्या होगा हमारा गामा ई आर चेंज होगा क्योंकि हमारा गामा इंपीडेंस पर डिपेंड करता है लेकिन इस लेंथ को कोई चेंज नहीं कर रहा है तो इसीलिए इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा तो सर क्या चेंज होगा कि चेंज होगा तो ई डी चेंज होगा यानी हम सबसे पहले ईसीडी पे फोकस करेंगे ईसीडी क्या होता है आर आर अपन आर आर प्लस एल एल होता है आर आर प्लस आर एल होता है जी सर अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए ये हमारा कोई एक्सीएल केबल है जी सर इस केबल का डायमीटर कितना है सर सर डाय रेडियस ए है सर जी सर रेडियस ए है तो यानी हमारा क्या हो जाएगा सबसे पहले आर एस देखेंगे आर एस क्या होता है ओमेगा म्यू अपन टू सिग्मा सी होता है जी सर फिर आर एल देखेंगे आर एल क्या होता है सर आर एल होता है हमारा आर एस अपन टू पाई एन टू एल होता है तो आर एस अपन टू पाई ए इन टू एल हो जाएगा जी सर ये इसका लेंथ होता है जी सर अब ए का वैल्यू अगर चेंज करेंगे ए का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो आप बताते चलिएगा ए इंक्रीज करेंगे तो डायमीटर बढ़ेगा डायमीटर बढ़ेगा तो लॉस रेजिस्टेंस कम होगा लॉस रेजिस्टेंस कम होगा लॉस रेजिस्टेंस कम होगा तो इफिशियंसी क्या होगा इफिशियंसी क्या होगा बाबू कम से डिवाइड होगा यानी इफिशियंसी बढ़ेगा बढ़ेगा कि नहीं जी सर ए का वैल्यू बढ़ाओ तो डायमीटर बढ़ाओगे ए का वैल्यू बढ़ेगा ए का वैल्यू बढ़ेगा लॉस रेजिस्टेंस कम होगा लॉस रेजिस्टेंस कम होगा तो इफ़िशेंसी बढ़ेगा इफिशेंसी बढ़ेगा तो गेन भी बढ़ेगा क्योंकि गेन क्या होता है बाबू गेन इज इक्वल टू होता है जी पी नॉट ई टी इंटू डी नॉट होता है जी सर गेंग तो अगर इफिशियंसी को बढ़ाओगे तो हमारा जी पी नॉट बढ़ेगा जी सर तो ई सी डी बढ़ाओगे तो ई टी बढ़ेगा बढ़ेगा तो जीपी नॉट बढ़ेगा यानी गेन हमारा बढ़ेगा तो गेन क्या होगा बाबू गेन इंक्रीजेस जी सर और आप जानते हो गेन इनटू बैंडविथ क्या होता है होता है गेन इनटू बैंडविथ क्या होता है होता है तो गेन इनटू बैंडविथ अगर कांस्टेंट हो गया तो अगर गेन को बढ़ाओगे तो बैंडविथ क्या होगा कम होगा यानी बैंडविथ डिक्रीजेस हो गया तो देखिए कितना दूर तक लेके रिलेट किया रेडियस को बढ़ाए आर एल घटा आर एल घटाशियंसी बढ़ा गेन बढ़ा गेन बढ़ा बैंडविथ घटा यानी आंसर क्या हो जाएगा बी एंड सी बेस्ट आंसर क्या होगा सी गेन को देखेंगे कभी कभी गेन इनटू टू बैंडविथ नहीं भी अप्लाई होता है तो कभी कभी जो नहीं अप्लाई होगा तो बैंडविथ को छोड़ भी सकते हैं कुछ देर के लिए तो हमारा बेस्ट आंसर कौन सा होगा सी अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा तो बी एंड सी तो ये क्या है हमारा बेस्ट और ये क्या है बेटर ठीक है जी सर हमारा तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी समझ में आया आप लोग को यस yes, नो no, बोलिएगा आप लोग को समझ में आया मजा आया आज पढ़ के यस yes, नो no, बोलिएगा मुझे तो आज की क्लास यहीं पे रोकता हूं मैं मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा थोड़ा आज आप आराम कीजिए आज आप पढ़ के आइए कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्या स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव एरिया क्या स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव एपर एरिया हम चाहे तो अभी भी देखिए स्लाइड लगा के आए अभी तो कम से कम दस पंद्रह स्लाइड आराम से होगा अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है कैसे ग्रेन फ्रिज फार्मूला तो हम लोग ये देख लेते हैं कल हम लोग पोलराइजेशन लॉस फैक्टर पढ़ेंगे फ्रिज फार्मूला पढ़ेंगे फिर रेडिएशन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे अभी तो और पढ़ ही लेते हैं थोड़ा और चलो नहीं तो कल ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा चलो तो पढ़ ही लेते हैं स्टार्ट करते हैं थोड़ा और पढ़ के तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इफेक्टिव पेपर एरिया इफेक्टिव पेपर एरिया हम फ्रीज फार्मूला का पहले तक आज पढ़ा देते हैं इफेक्टिव पेपर कल हम लोग फ्रीज फार्मूला और क्या पढ़ेंगे जिससे गेट का क्वेश्चन आता है और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एंटीना के बारे में पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नहीं तो लास्ट में ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा तीन दिन और बचा है आज छोड़ के दो दिन और है तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग तो देखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारा होगा इफेक्टिव एपर्चर एरिया किसे बोलते हैं इफेक्टिव एपर्चर एरिया हमारा क्या होता है देखते हैं हम लोग इफेक्टिव एपर्चर एरिया वो होता है जिससे हमारा एरिया से एंटीना से वेव एक्सेप्ट होता है जिस एरिया से हमारा पावर एक्सेप्ट होता है तो हमारे पास दो तरह का एरिया होता है एंटीना में दो तरह का एंटीना होता है एंटीना होता है कितने तरह का एंटीना होता है बाबू दो तरह का ठीक है दो तरह का होता होता है, टू का अंटीना होता है। अंटीना में दो तरह के सॉरी एरिया होते हैं <laughs> एक होता है फिजिकल एरिया मैं पूछूं कि इसका फिजिकल एरिया क्या है अगर डायमीटर डी है तो आप तुरंत बता दोगे सर इसका सर्किल है जी सर ये सर्कुलर है तो इसका बताओ फिजिकल एरिया क्या होगा तुरंत बता दोगे आपको समय भी नहीं लगेगा बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है सर फिजिकल एरिया फिजिकल एरिया क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर होता है सर जी सर पाई आर स्क्वायर यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा डी बाई टू हो जाएगा तो पाई डी स्क्वायर पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू यानी पाई डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा जी सर देखो आपने आसानी से बता दिया फिजिकल एरिया बहुत आसानी से बता दिया सर लेकिन अंटीना का सीरीज क्वेश्चन भी आएगा बाबू आएगा क्वेश्चन सीरीज भी आएगा आप लोगों को आगे प्लानिंग होता जैसा टीम की पूरे टीम की बैठक होगी उसमें प्लानिंग होता है तो टीम का पूरा प्लानिंग होगा उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन सीरीज का भी डिस्कशन होगा मेरे हिसाब से होना चाहिए जनवरी में आएगा शायद आप लोग चलिए देखते हैं तो ये फिजिकल एरिया होता है जी सर और एक होता है इफेक्टिव एरिया अब इफेक्टिव एरिया क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं मान लो कि ऐसा रेडिएशन हो रहा है किसी अंटीना से जी सर अब बताओ क्या मैं इधर अंटीना रखूंगा तो क्या वो रिसीव सही से होगा सोच के बताओ नहीं सर इधर अंटीना रखूंगा तो क्या सही से रिसीव होगा जी सर सही से रिसीव होगा क्या इधर अंटीना रखूंगा तो सही से रिसीव होगा नहीं सर यानी किधर एंटीना रखोगे तो सही से रिसीव होने वाला है सर बेस्ट रिसेप्शन यहां पे मिलेगा सर जिधर डायरेक्टिविटी मैक्सिमम होगा जिधर डायरेक्टिव गेन मैक्सिमम होगा उधर सर आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव डिपेंड करने लगता है डायरेक्शन पे डिपेंड करने लगता है तो इसका इफेक्टिव इस अपर्चर एरिया मैथमेटिक्स करके फॉर्मूला करके निकाला जाता है उस पर मैं फोकस ज्यादा करता नहीं हूं तो कितना आता है बाबू फोर पाई अपॉन इनटू डायरेक्टिविटी मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो वेवलेंथ कम होगा यानी यहाँ पर रिसेप्शन कम होगा अगर फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो यहाँ पर रिसेप्शन अच्छा होगा यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि पावर कितना रिसीव करेगा दूसरा हमारा डायरेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि पावर कितना रिसीव करेगा तो दो चीजों पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम तो कितना पावर रिसीव होगा और दूसरा डायरेक्टिविटी ज्यादा या कम कितना हमारा पावर रिसीव होगा तो दो चीजों पे डिपेंड करता है तो इसे कौन सा एरिया बोला जाता है इफेक्टिव एरिया बोला जाता है ये फिजिकल एरिया नहीं है ये इफेक्टिव एरिया है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा चलो इफेक्टिव एरिया तो आपने बता दिया सर और बताइए और किस पे डिपेंड करेगा और भी चीजों पे डिपेंड करेगा क्या कि मान लो मेरा जो अंटीना है ट्रांसमिटिंग एंटीना अगला टॉपिक यही है सर्कुलर कैसा जा रहा, सर्कुलर वेव इसे निकल रहा है क्या चाहिए जो रिसेप्शन वाला है उसको भी तुम क्या रखना चाहोगे क्या लीनियर पोलराइज रखोगे नहीं क्या इलिप्टिकल पोलराइज रखोगे नहीं तो तुम कैसा पोलराइज रखोगे कि तुम्हारा एंटीना अच्छा से रिसीव करे उस सिग्नल को सर्कुलरली पोलराइज रखेंगे तो अच्छा रिसीव करें। यानी इसका पोलराइजेशन और रिसीविंग एंटीना का सेम होना चाहिए। यानी ट्रांसमिटिंग एंटीना का पोलराइजेशन और रिसीविंग एंटीना का पोलराइजेशन सेम होना चाहिए तभी यहां से जो वेव जाएगा वो सही से रिसीव होगा तो यानी इधर ये भेज रहा है तो इधर इसके डायरेक्टिविटी साथ में इसका फ्रीक्वेंसी और साथ में इसका पोलराइजेशन मैच इन सब पे डिपेंड करता है कितना पावर रिसीव होगा यानी पावर रिसीव करने के तीन फैक्टर हैं लेमडा डायरेक्टिविटी एंड पोलराइजेशन मैच पोलराइजेशन मैच क्या होता है अभी लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग लिख देते हैं तो लेमडा स्क्वायर बाई फोर पाई इन टू डायरेक्टिविटी इन टू पीएलएफ होता है अब कहोगे सर पीएलएफ नहीं दिया हो मान लो निकालने नहीं आता हो कितना ले लोगे वन ले लेना अभी अभी पी पीएलएफ को वन ले लो बाद में हम पीएलएफ को लेंगे निकालना सिखाएंगे आपको तो पीएलएफ निकालना सीख जाओगे जी सर डायरेक्टिविटी निकालना जानते हो क्या बहुत अच्छे से जानते हैं सर अभी इतना अच्छा आपने बताया डायरेक्टिविटी हमको आता है डायरेक्टिविटी निकालने यानी डायरेक्टिविटी तुम निकाल सकते हो लेमडा निकालने आता है क्या सर जरूर निकालने आता है सर क्या होता है लेमडा बीपीजिकल टू एफ इन टू लेमडा एफ दिया होगा तो लेमडा निकल जाएगा तो लेमडा निकल जाएगा जी सर फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दिया होगा इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है तो लेमडा आ गया उर्पाई पता है डायरेक्टिविटी निकालने का कोई तरीका बता दिया तो उससे डायरेक्टिविटी निकाल लेंगे और पोलराइजेशन लॉस फैक्टर निकालना सीख जाएंगे तो वो भी निकाल लेंगे तो तीनों को मिला कर हम क्या निकाल लेंगे इफेक्टिव एपरच एरिया निकाल लेंगे तो देखो इफेक्टिव एपरच एरिया निकाल लोगे ये कौन सा एरिया होता है जिससे पावर रिसीव होता है ये कौन सा एरिया होता है ये फिजिकल एरिया होता है तो यानी हमारा एक इफिशियंसी और आता है जिसे कौन सा इफिशियंसी बोलते हैं एरिया इफिशियंसी बोलते हैं तो यहां पे देखो दो तरह का इफेक्टिव हैचर एरिया होता है लेमडा बाई फोर पाई इंटू डी नॉट दूसरा लेमडा बाई फोर पाई स्क्वायर इंटू डी नॉट इंटू पोलराइजेशन लॉस फैक्टर अब हम लोग जानते हैं कि लेमडा स्क्वायर बाई ये जानते हो गए आप पढ़ाया हूं मैं आपको क्या डी नॉट इजिकल टू फोर पाई बाई ओमेगा इफेक्टिव जी सर पढ़ाया हूं जी सर अप्रोक्स फार्मूला कौन सा फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट फार्मूला डायरेक्टिविटी का तो इसका अप्रॉक्स फार्मूला इसका भी निकाल सकते हो तो फोर पाई बाई डी नॉट ओमेगा इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर ओमेगा इफेक्टिव क्या होता है बाबू ये अप्रॉक्स फॉर्मूला हो जाता है अब आपको ओमेगा इफेक्टिव निकालने का तरीका बता चुका हूं क्या ठीटा इंटू थीटा एच जी सर दूसरा क्या बता चुका हूं थीटा ई स्क्वायर ये नॉन यूनिफॉर्म कॉनल बीम और ये यूनिफॉर्म कोनिकल बीम जी सर ओमेगा थीटा ही थीटा ठीटाइज दिया होगा जी सर फ्रीक्वेंसी दिया होगा जी सर इफेक्टिव पेपर चलिए या निकाल लोगे उसी तरह इसमें भी लगा सकते हो क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बाई फोर पाई अपन डी नॉट ओमेगा इफेक्टिव हो जाएगा <coughs> तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी एल एफ ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला हो जाएगा तो आप देखो यहां से सारा डाटा निकाल लिया ठीक है तो ये डाटा हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से देखो कितना अच्छा हमने सारा डाटा कैलकुलेट कर लिया कर लिया कि नहीं बहुत अच्छा से कैलकुलेट कर लिया क्या क्या कैलकुलेट कर लिया सर इफेक्टिव एपर्चर एरिया इसका भी इफेक्टिव एपर्चर एरिया दोनों का इफेक्टिव एपर्चर एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया अब एक होता है हमारा एरिया इफिशियंसी क्या होता है एरिया इफिशियंसी क्या होता है सर एरिया इफिशियंसी इफेक्टिव एपर्चर एरिया अपॉन फिजिकल एरिया होता है फिजिकल एरिया निकालना जानते हो क्या सर मैंसूरेशन में तो बहुत अच्छा पढ़े सर स्क्वायर का फिजिकल एरिया क्या होता है ए स्क्वायर रेक्टेंगल का ए इंटू बी ट्रेफिजियम का हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच पढ़े हो गए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू एच ट्रेपिजियम का एरिया जानते हो स्क्वायर का एरिया जानते हो रेक्टेंगल का एरिया जानते हो सर्किल का एरिया जानते हो तो फिजिकल एरिया तो हम निकाल लेंगे सर ज़्यादा से ज़्यादा यही तीन चार देंगे एरिया तीनों चारों एरिया हम निकाल सकते हैं यानी एरिया इफ़िशंसी निकाल सकते हो जी सर तो ये हमारा हो जाएगा एरिया इफिशियंसी अभी हम लोग कितने तरह के इफिशियंसी पढ़ लिए सर पहला इफिशियंसी पढ़ लिया कंडक्टर लॉस दूसरा पढ़ लिया डायलेक्ट्रिक लॉस तीसरा पढ़ लिया कंडक्टर और डायलेक्ट्रिक लॉस चौथा पढ़ लिया रिफ्लेक्शन इफिशियंसी और पांचवा पढ़ लिए हम लोग टोटल इफिशियंसी और यहां पढ़ लिए एरिया इफिशियंसी सर इसका कोई यूज है क्या हाँ यूज है आगे तभी हम बता रहे हैं अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पैराबोलिक डिसंटीना पढ़ेंगे कौन सा एंटीना पड़ेंगे पैराबोलिक डिसंटीना तो पैराबोलिक डिसंटीना क्या होता है सर उसके बारे में जानते हैं तो पैराबोलिक डिसंटीना हमारा बहुत प्यारा सा होता है क्या होता है सर एक मान लो हमारे पास पॉइंट साइज एंटीना है जी सर फिर आपको पैराबोलिक डिसंटीना समझ में आएगा तो अभी हम लोग ट्रांसमीटर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में ट्रांसमीटर के रेस्पेक्ट में दो केस में देखेंगे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों केस में देखेंगे तो मान लो ये एंटीना है जी सर इस एंटीना से हमारा फील्ड रेडिएट हो रहा होगा जरूर सर रेडिएट तो हो ही सकता है इसमें कौन सी बड़ी बात है तो ऐसे रेडिएट हो रहा होगा यहाँ पे हमारा पहुँच रहा होगा जी सर ये प्लेन है क्या है प्लेन है इस प्लेन पे मान लो ये लाइट पहुँच रहा है या इस प्लेन पे ये पावर रे रेडिएशन पहुंच रहा है तो था? 1, ये डिस्टेंस कितना टॉक कवर कर रहा है सर d1 ये d2 ये d3 ये d4 ऐसे डिस्टेंस कवर कर रहा है जी सर यानी इसका बीटा डी फेज क्या है सर इसका फेज बीटा डी है और बीटा डी क्या है सर अलग अलग है डिफरेंट है, है बाबू डिफरेंट है और बीटा डी अगर डिफरेंट है तो इसका फेज क्या है वेरिएबल है फेज इसका वेरिएबल है फेज वेरिएबल है।, है तो हमने क्लास में बताया होगा कि फेज प्लेनर वेव होगा कि नॉन प्लेनर वेव होगा फेज वेरिएबल है तो नॉन प्लेनर वेव होगा सर होता तो प्लेनर वेव होता है, तो, है। यह सर नॉन प्लेनर वेव हो गया अब नॉन प्लेनर वेव हो गया तो पूरा ई एम टी पढ़ना बेकार हो गया पूरा ई एम टी पढ़ना हमारा बेकार हो गया क्योंकि हम किसके लिए पढ़े हैं प्लेन वेव के लिए ये क्या बन गया नॉन प्लेनर वेव बन गया भैया तो गड़बड़ हो गया यार हम तो प्लेनर वेव के लिए पढ़े थे बना रहे हो नॉन प्लेनर हो गया तो फिर क्या करोगे उस केस में कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं एक पैराबोला ले लोगे ये पैराबोला क्या है कंडक्टर है क्या है कंडक्टर और यहाँ पे तुम एक अनटीना लगा दोगे क्या लगा दिए अनटीना अब अनटीना यहाँ इधर रेडिएट कर रहा है जी सर तो यहाँ से सीधा इसे जाएगा इस डायरेक्शन में अंटीना को मुँह घुमा के रख दिया बात को हाँ तो इधर रेडिएट करेगा जी सर ये इधर रेडिएट करेगा जी सर हो गया काम खत्म ये इधर रेडिएट करेगा जी सर ये इधर रेडिएट करेगा जी सर तो हमने कहां पर रख दिया एंटीना फोकस पे रख दिया पैराबोला के फोकस पे रख दिया पैराबोला क्या है ये कंडक्टर है जी सर तो ये पैराबोला डिस बोला जाता है पैराबोला कटोरा बोला जाता है पैराबोलिक कटोरा तो पैराबोलिक कटोरा रख दिया इधर साइड में एंटीना रख दिया अब ये क्या होगा ऐसे डिस्टेंस से जाएगा तो यहां पे अगर मैं प्लेन लेता हूं तो सारा डिस्टेंस फोकस से डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है बाबू सेम रहता है पढ़े हो गए आप पैराबोला के फोकस से डिस्टेंस क्या होता है हमेशा सेम होता है तो यानी ये सब डिस्टेंस क्या रहेगा बाबू बराबर रहेगा डिस्टेंस सेम रहता है जी सर तो यानी यहां पर डिस्टेंस क्या मिलेगा सेम मिलेगा डिस्टेंस सेम मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया फेज सेम मिलेगा फेज सेम मिलेगा मतलब क्या हो गया फेज कॉन्स्टेंट है फेज कॉन्स्टेंट है इसका मतलब क्या हो गया कांस्टेंट है यानी नॉन प्लेनर वेव से प्लेनर वेव बन गया ऐसा वेव बन गया प्लेनर वेव बन गया अब प्लेनर वेव बन गया तो क्या होगा सर सर प्लेनर वेव बन गया तो हमारा क्या हो जाएगा सेम बीटा डी हो जाएगा तो प्लेनर वेव हो जाएगा अब प्लेनर वेव हो गया तो हमारे लिए मैथमेटिक्स आसान हो गया तो पूछेगा ट्रांसमिटिंग एंटीना में पैराबोलिक डिस्क क्यों यूज करते हैं इस एंटीना के आगे पैराबोलिक डिस्क क्यों लगाते हैं तो क्या बताओगे ट्रांसमिटिंग एंटीना में क्यों लगाते हैं क्योंकि नॉन प्लेनर वेब को प्लेनर वेब में कन्वर्ट करता है क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पैराबोलिक एंटीना में क्यों पैराबोलिक लगाते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना में तो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा नॉन प्लेनर वेब प्लेनर वेब में कन्वर्ट हो जाए ये कंसेप्ट है पैराबोलिक डिश वाला एंटीना देखे हो बहुत दिनों से देख रहे हैं सर आज से सोरे देख रहे हैं जब से डिश टीवी आया तब से देख रहे हैं सर क्या देखे हो एक बड़ा सा छतरी होता है वहां पे एक अंटीना होता है देखे हो गे? जी सर ये आप तो छोटा छतरी आ गया कटोरा तो लोहे का और वहां पे एक अंटीना आ जाता है तो उसी से तुम देखते हो गए कहानी बाबू बफर तो नहीं हो रहा मेरे साइड से बाबू हाँ <laughs> छोटा छतरी होगा तो यही कहानी होता है बाबू मेरे साइड से बफर नहीं है बाबू कनेक्शन एक्सेलेंट है सही चल रहा है बाबू ठीक है चलिए तो हम टीना हमारा क्या होगा बफ ऐसा होगा तो प्लेनर वे में कन्वर्ट कर देता है कौन से केस में देखें ट्रांसमीटर के केस में और दूसरा किसके केस के के में देखेंगे रिसीवर के केस में देखेंगे तो रिसीवर के केस में देखेंगे तो क्या होगा रिसीवर के केस में हमारा कुछ होगा कहानी क्या होगा सर रिसीवर के केस में बहुत अच्छी बात है सर रिसीवर केस में क्या होगा रिसीवर केस में ये एंटीना है हमारा छोटा सा जी सर ये एंटीना छोटा सा है बहुत सारा वेव आ रहा है जी सर बहुत सारा वेव आ रहा है क्या सारा वेव को एक्सेप्ट कर पा रहा है क्या नहीं सारा वेव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो यहां पे जो सिग्नल रिसीव होगा वो क्या रिसीव होगा सर वीक सिग्नल रिसीव होगा कैसा सिग्नल रिसीव होगा सर वीक सिग्नल रिसीव होगा यहाँ पे हमारा सिग्नल क्या होता है वीक रिसीव होता है क्यों क्योंकि हमारा पे यहाँ पे वेब आ रहा है यहाँ पे रिसेप्शन के लिए तो वीक सिग्नल रिसीव हुआ जी सर अब जब वीक सिग्नल रिसीव हुआ तब क्या करोगे सर तब हम करेंगे कुछ और काम क्या फोकस कर लगाएंगे फिर से फोकस करेंगे किस क्रिस थ्री मूवी बनाएंगे देखे हो ना फोकस ऑफ लाइट क्रिस थ्री में बहुत सारे फोकसिंग करा के और लाइट का बहुत बड़ा सोर्स बना के आपको जला दिया जाता है गुंडे को विवेक को वही कहानी है यहां पे क्या फोकस करेंगे कैसे फोकस करेंगे फिर से वही कहानी यहां पैराबोला ले लेंगे और यहां पे एंटीना लगा देंगे क्या लगा दिए एंटीना अब यहां से एंटीना से क्या हो रहा है ये इंसिडेंट हो रहा है वेव जी सर और यहां जाके मिल जा रहा है जी सर यहां जाके मिल जा रहा है यहां जाके मिल जा रहा है तो अब एक वेव मिल रहा है कि बहुत सारा वेव मिल रहा है बहुत सारा वेब मिला है फोकस पे तो फोकस पे है तो बहुत सारा वेव मिलेगा कि नहीं जी सर कहोगे तो सर क्या ये इससे पार नहीं होगा नहीं कंडक्टर है कंडक्टर से वेव रिफ्लेक्ट होता है इसीलिए कंडक्टर का बनाते हैं हम लोग ताकि वेव रिफ्लेक्ट हो जाए और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पावर इंक्रीज कर देगा तो यहाँ पे कैसा सिग्नल मिलेगा बाबू स्ट्रांग सिग्नल मिलेगा कैसा सिग्नल मिलेगा स्ट्रांग सिग्नल इसीलिए देखते होगे कि जब सेटेलाइट से आपको रेज आता है कहाँ से सेटेलाइट से उसके लिए बड़े बड़े सैटेलाइट स्टेशन पे बड़े बड़े छतरी लगाए जाते हैं क्यों क्योंकि बड़ा बड़ा छतरी होगा तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा सिग्नल रिसीव होगा तो बड़े बड़े किलोमीटर में छतरी लगाए जाते हैं बड़े बड़े खूब बड़े बड़े ताकि बहुत वीक सिग्नल भी आ रहा होगा तो मिलके क्या बना देगा स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना देगा तो बहुत सारा रे आएगा उस छतरी पे और क्या होगा स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाएगा जैसे पुराने जमाने में डिश टीवी होता था उस समय क्या होता था बहुत बड़ा छतरी होता था एक घर के एक छत पे पूरा भरा हुआ था और वहां पे क्या होता था वीक सिग्नल मिलता था और उसे रिसीव करके स्ट्रांग सिग्नल बन जाता था जी सर वही कहानी यहां पर भी है उस वीक सिग्नल को रिसीव करके तुमने क्या बना दिया स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना दिया वो कौन काम किया तो पैराबोलिक डिसी किया <laughs> कब रिसीवर साइड में ठीक है समझ में आया बाबू ठीक है ये समझ में आ गया आप लोग को कहानी समझ में आया जी सर तो ये स्ट्रांग सिग्नल हमारा रिसीव होता है हाँ स्ट्रांग तो सिग्नल आप लोग को समझ में आया कैसे बनता है पैराबोलिक डिसंटीना से बनता है अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा सर इफिशियंसी पूछेगा गेन पूछेगा का क्या पूछेगा गेन कैसे निकालोगे गेन तो गेंद निकालना तो पड़ेगा सर हमें कैसे गेंद निकालोगे देखते हैं कैसे गेंद निकालोगे गेंद हम लोग निकालने निकालते हैं तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है सेम फेज प्लेनर वेव एरिया इफिशियंसी किया <coughs> चलिए आते हैं बाबू तो गेन अब हमें निकालना है तो इफेक्टिव एरिया क्या होता है इफेक्टिव एरिया हमारा एरिया एफिशेंसी क्या होता है सर एरिया एफिसियंसी होता है हमारा इफेक्टिव अपर्चर एरिया अपॉन फिजिकल एरिया होता है जी सर कौन सा एरिया होता है फिजिकल एरिया ठीक है इस पाराबोलिक डिसंटीना में फिजिकल एरिया कितना हो जाएगा सर ये डायमीटर हो गया सर जी सर ये डायमीटर हो गया तो डायमीटर हो गया तो इसका फिजिकल एरिया कितना होगा सर इसका इफेक्टिव एपर्चर एरिया होगा सर लेमडा स्क्वायर अपॉन फोर पाई और डायरेक्टिविटी डी नॉट डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई, बाई फोर और ये किसके बराबर हो जाएगा ई ए के बराबर हो जाएगा तो यहां से हम डी नोट देख सकते हैं पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा अब क्या हो जाएगा डिवाइड बाई सॉरी पाई स्क्वायर हो जाएगा सॉरी पाई स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर तो फोर फोर ऊपर फोर जाएगा तो फोर फोर कैंसिल हो जाएगा तो ई ए इंटू पाई स्क्वायर इंटू डी बाई लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा जी सर अब हम लोग गेन जानते हैं जी सर गेन क्या होता है सर इफिशियंसी इंटू डायरेक्टिविटी होता है इफिशियंसी इंटू डायरेक्टिविटी ई टी हो जाएगा इंटू ई हो जाएगा इंटू पाई ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी बाई लेडा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा गेन का फॉर्मूला आ गया ये हमारा गेन का फॉर्मूला आ गया जी सर तो गेन का फॉर्मूला हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं गेन का फॉर्मूला हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। देखो गेन का फॉर्मूला देख लेते हैं अब पूछोगे सर गेन का कितना वैल्यू लेंगे सर मान लो इफिशियंसी नहीं दिया हो गेट में तब क्या करोगे सर हो हो सकता है कि ना दिया गेट तो ऐसा नहीं करेगा मान लो पी एस यू या और कहीं नहीं देगा तो इन दैट केस तुम क्या ले लेना ET और EA का वैल्यू टी इंटूए का वैल्यू पॉइंट सिक्स फाइव ले लेना सिक्सटी फाइव परसेंट लिया जाता है क्यों सिक्स परसेंट लिया जाता है हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं लिया जाता है वन तो ले ही सकते सर आइडियल इफिशियंसी वन होता है जी सर तो टोटल इफिशियंसी तो वन हो जाएगा लेकिन एरिया मैक्स मैक्स टू तो अगर बाय डिफॉल्ट तुम्हें लेना हो कितना लेना हो बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट तुम्हें कंसीडर करना हो तो क्या कंसीडर कर सकते हो कि सर मेरा टोटल इफिशियंसी तो वन हो जाएगा लेकिन सर एरिया इफिशियंसी पॉइंट सिक्स फाइव ही होगा मतलब सिक्सटी फाइव परसेंट तक ही कन्वर्ट हो है तो, मैक्सिमम मैक्सिमम 65 परसेंट तक कन्वर्ट हो सकता है यानी गेन का बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6.5 पॉइंट फाइव का होल डी बाई गेन का फॉर्मूला हो गया जी सर तो ये हमारा गेन का फॉर्मूला हो गया कौन सा गेन हो गया सर ये हमारा गेन हो गया पैराबोलिक डिसंटीना का अब इससे सवाल पूछता है आपको इफिशियंसी दे देगा मान लो सत्तर परसेंट दिया तो पॉइंट सेवन ले लेना पाई स्क्वायर का वैल्यू टेन होता है तो सत्तर पॉइंट सेवन इंटू से टेन पॉइंट सेवन हो जाएगा डायमीटर दे, दे देगा फ्रीक्वेंसी दे, दे देगा तो वेवलेंथ निकाल लोगे हो गया आंसर आ गया यही क्वेश्चन पूछता आपसे जी सर तो देखो हमने यहाँ पर निकाल लिया इफेक्टिव पेपर एरिया और ये हमने गेन का फार्मूला लिख दिया ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा मैं भी याद रखता मैं एज ए स्टूडेंट होता तो क्या फर्स्ट नल बिंबित और फुल नल बिंब फर्स्ट नल बिंब और हाफ पावर बिंब ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा हम आपको पढ़ाएंगे आगे जब रेडिएशन पैटर्न पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है पैराबोलिक डिसंटीना का इसलिए मैं पैराबोलिक के साथ ये दोनों भी लिख दिया क्योंकि ये याद करना है ये भी आप याद ही करोगे कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं ये भी आप याद ही करोगे ये भी याद करोगे तो इसको याद करना है तो एक जगह रहेगा तो पैराबोलिक डिसंटीना का याद करना आसान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेवेंटी लेमडा बाई डी होता है डी डायमीटर होता है जानते हो क्या होता है क्या होता है फ्रीक्वेंसी भी पी अपन सी एफ हो जाता है सेवनटी पता ही सेवेंटी क्या होगा भाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और जो ऊपर जीरो लगा है वो क्या है डिग्री में है यानी ये जो एंगल निकल रहा है वो डिग्री में निकालना है ये वाला भी एंगल निकल रहा है वो डिग्री में निकालना है इसका नाम होता है एफ एन बी डब्ल्यू फर्स्ट नल वेमिट और इसका नाम होता है हाफ पावर वेमेट ये फार्मूला होता है याद रखना अगर मुझसे चार दिन बाद कोई ये फार्मूला पूछेगा मैं भूल गयाउंगा लेकिन अगर मैं गेट का तैयारी करके जाता तो मैं इसे याद करके जाऊंगा इसे देख के जाऊंगा एक बार दो बार चार बार दस बार बारह बार देख के जरूर जाऊँगा तो जाना तो पड़ेगा ही चलिए यह हटा दीजिए ये नहीं पढ़ना है क्वेश्चन बनाते हैं जी सर गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है हाथ सर पूछा हुआ है क्या पूछा है सर फ्रीक्वेंसी दिया है गेन पूछ रहा है वन मीटर डायमीटर दिया है इफिशेंसी दे दिया है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो वेबलेंथ निकाल लेंगे सी नोट बाई सॉरी वेबलेंथ क्या हो जाएगा वेबलेंथ हो जाएगा सी नॉट अपॉन एफ सी नॉट पता है जी सर थ्री इंटू टेन टू पावर एट एफ पता है जी सर कितना है सर एफ ट्वेंटी गीगा हर्ज है गीगा हार्ज मतलब टें टू पावर नाइन हो जाएगा तो सी थ्री बाई टू हंड्रेड हो जाएगा अब उसके बाद से डी पता है डी कितना दिया है वन मीटर दिया हुआ है डी दिया हुआ है तो आप गेन निकाल सकते हो गेन इज इक्वल टू क्या होगा सर इफिशियंसी इफिशियंसी कितना दिया है सर पॉइंट सेवन दिया है ई टी इन टू ये कितना दिया है पॉइंट सेवन दिया हुआ है जी सर तो हमारा पॉइंट सेवन आई स्क्वायर डी बाई लेमडा का होल स्क्वायर टू हंड्रेड बाई थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा तो सेवेंटी पॉइंट सेवन आई स्क्वायर एंड डी के बाई लेमडा थ्री हंड्रेड बाई टू हो जाएगा सॉरी टू हंड्रेड बाई थ्री हो जाएगा तो टू हंड्रेड बाई थ्री का होल स्क्वायर और वैल्यू निकाल लो डी में निकालना है निकाल सकते हो डी में निकालना है निकाल सकते हो निकाल के देखो क्या आंसर आएगा निकाल के देखो क्या आंसर आएगा बाबू आज नहीं करेंगे बाबू आपको रेडिएशन पैटर्न रेडिएशन पैटर्न परसों होगा परसों मतलब डे आफ्टर टमोरोवन पाई स्क्वायर इनटू 200 दो सो दो सो डिवाइड बाय थ्री डिवाइड बाय थ्री लॉग आंसर इनटू टेन फोर्टी फोर पॉइंट एट ये आएगा थ्री जीरो सेवन ज़ीरो फाइव पॉइंट फोर थ्री सिक्स और इसको डीबी में निकालोगे तो डीबी में टेन कर दोगे तो टेन log टेन जी पी हो जाएगा कितना आ जाएगा वहलू बाबू फोर्टी फोर पॉइंट एट डी आंसर हो जाएगा वेरी गुड थैंक यू अगला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बोला है कुछ क्या बोला है बाबू द माउथ डायमीटर ऑफ द टू पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज टू इज टू वन द पावर गेन विथ रिस्पेक्ट टू द रेजोनेंट हाफ वेब डाइपोल विथ द इन दू पूछा है तो हमारा एंटीना से तो कोई मतलब ज्यादा होता नहीं है होता है क्या नहीं तो जब एंटीना से मतलब नहीं होता है तो पावर गेन का रेशियो का पूछा है क्या दिया है दो हमारा डिस्क दे दिया है एक डिस्क का डायमीटर कितना है सर तो सर इस एक डिस्क का डायमीटर है डी वन दूसरा डिस्क का डायमीटर क्या है सर तो दूसरा डिस्क का डायमीटर है डी टू जी सर अब डी वन एंड डी टू दे दिया तो डी वन इंस टू डी टू कितना दिया है बाबू टू इंजू वन दे दिया है जी सर अब आपसे पूछ रहा कि गेन का रेशियो हो क्या होगा यानी जीपी वन अपॉन जी पी टू क्या हो जाएगा तो जीपी अपन अपन जीपी टू हो जाएगा डी वन बाई डी टू का होल स्क्वायर हो जाएगा क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा गेन डायरेक्टिविटी होता है गेंद जो होता है वो डी के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो डी वन बाई डी टू का होल स्क्वायर होगा तो डी वन बाई डी टू का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा फोर इज टू वन हो जाएगा आंसर तो क्या हो जाएगा फोर इज टू वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गेंद डायमीटर के तो माउथ डायमीटर यही होगा यही इसका मुंह का डायमीटर है ना पैराबोला का और यही इस पैराबोला का मुंह का डायमीटर है तो माउथ डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है गेन का रेशियो पूछ रहा है आसान सा सवाल था चुटकियों में बनने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बाबू द बिमिर्थ बिटवीन द बीम बिथ बिटवीन नल नल के बीच में बीम बिर्थ पूछ रहा है इतना सेंटीमीटर का पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है कितने फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है बाबू सिक्स काम कर रहा है तो एफ एन बी डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है अभी बताया था एफ एन बी डब्ल्यू का फार्मूला होता है हमारा सेवेंटी लेमडा बाई डी होता है इंटू डिग्री में होता है जी सर सेवेंटी जी सर लेमडा का वैल्यू निकाल लो लेमडा क्या दिया है थ्री इंटू टेन टू पावर एट और सिक्स गिगाड़ दिया है इसका मतलब सिक्स इंटू टेन टू पावर नाइन ये हो जाएगा थर्टी बाई सॉरी थर्टी बाई सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस टू यानी हो जाएगा फ़ाइव सेंटीमीटर अब यहाँ से एफ एन बी डब्ल्यू निकाल लोगे तो एफ एन बी डब्ल्यू में लेमडा कितना पुट करोगे सर लेमडा एक सौ चालीस है जी सर एक सौ चालीस है ना सेवेंटी लेमडा बाई डी होता है और डी आपका पाँच है पाँच से डिवाइड कर दो ज़्यादा नहीं आ जा रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया होंगे सेवेंटी डी बाई लेमडा होता है ना कुछ गड़बड़ हो गया नहीं सेवेंटी डी बाई सेवेंटी लेमडा बाई डी होगा सेवेंटी लेमडा का वैल्यू पाँच रख दो डी का वैल्यू एक सौ चालीस रख दो डिग्री में सत्तर दो पाँच ढाई ढाई डिग्री आ जाएगा यही आंसर होगा हाफ और बीमिट पूछता हापॉर बीमिट क्या लगा देते फिफ्टी एट लेमडा बाई डी लगा देते फिफ्टी एट लेमडा बाई डी लेमडा पता है डी पता है निकाल लिए बहुत तो सवाल होता है इजी क्वेश्चन आते हैं बाबू अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पोलराइजेशन लॉस फैक्टर पोलराइजेशन लॉस फैक्टर हम लोग देखेंगे हम लो कल देखते हैं बाबू। क्या? पोलराइजेशन लॉस फैक्टर ठीक है पोलराइजेशन लॉस फैक्टर देखने से पहले मैं आप लोगों को आज होमवर्क देता हूं जो लोग भी अपना क्लास रेगुलरली कर रहे हैं अभी तक मेरे साथ टिके हुए यानी काफी अच्छा पढ़ रहे हो तुम तो आपको पोलराइजेशन लॉस फैक्टर में आपको घर जाके मतलब घर पे ही हो गए आप कल पोलराइजेशन पर के आइएगा तो हमें पोलराइजेशन लॉस फैक्टर समझाने में बहुत आसानी होगी तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलराइजेशन लॉस फैक्टर और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे फ्रिज फार्मूला तो दो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन लॉस फैक्टर और फ्रिज फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कृपया करके अच्छे से पढ़ के आइएगा कैसे अच्छे से पढ़ के कौन सा टॉपिक पोलराइजेशन लॉस फैक्टर और फ्रीज फार्मूला सॉरी पोलराइजेशन तो कल हम लोग पोलराइजेशन लॉस फैक्टर और फ्रीज फार्मूला देखेंगे इससे गेट में काफी अच्छे सवाल पूछे गए हैं वो भी देखेंगे जो अच्छे अच्छे सवाल आए हैं और फ्रीज फार्मूला से जानते ही वो सवाल सेवेंटी परसेंट गेट का सवाल फ्रीज फार्मूला से आता है तो सत्तर परसेंट कल का सवाल फ्रीज फार्मूला पे है दस बीस परसेंट आपका सवाल बेसिक से आता है जो कवर अप कर दिया कल का साठ से सत्तर परसेंट सवाल फ्रीज फार्मूला से आता है कल कवर अप कर दूंगा और उसके बाद का एक सवाल बचेगा क्या रेडिएशन का जो 10 से 20 परसेंट आता है वो रेडिएशन का आपको कवर कर दूंगा तो कल हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग रेडिएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं किसको इसको ये जो हमने फ्रीज फॉर्मूला कल पढ़ेंगे तो कल हम लोग तीन टॉपिक पढ़ेंगे फ्रीज पोलराइजेशन लॉस फैक्टर फिर फ्रीज फॉर्मूला और फिर हम लोग जाके पढ़ेंगे क्या एंटीना एंटीना का रेडिएशन पैटर्न पढ़ेंगे परसों रेडिएशन पैटर्न पढ़ेंगे पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे पूरा अच्छा से जिससे हमें कॉन्फिडेंस अच्छा से हो जाएगा ठीक है तो कल हम लोग देखते हैं क्या पोलराइजेशन लॉस फैक्टर तो आप लोग बताइएगा कोई अगर मैं फास्ट पढ़ा रहूँगा तो बता दीजिएगा सर फास्ट है कमेंट में कल के क्लास में बता दीजिएगा मैं कमेंट रोज देखता हूँ तो आप लोग का अगर लगे आपको फास्ट पढ़ा है तो मैं कल स्लो कर दूंगा अगर ठीक है स्पीड तो स्पीड में हम लोग चल सकते हैं ऐसे स्पीड इससे ज़्यादा ही चलाता हूँ मैं आज तो बहुत छोटे स्पीड में पढ़ाया हूँ फास्ट नहीं है ना चलिए ठीक है तो कल हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं मजेदार से मज़ा आया ई एम टी पढ़ के एक बार बताइएगा आप लोग जो लोग भी पढ़े हो झेल रहे हो तो मजा आया आप लोग ई एम टी पढ़ के थोड़ा मजा आया बताइएगा यसर नो बाबू मान लो एक दो टॉपिक मेरे से छूट ही जाता है मान लो लास्ट में तो एक दो टॉपिक तुम मैनेज कर सकते हो खुद से बाबू ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि ना छूटे बाबू ठीक है तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं और आज थक भी गया हूँ ज़्यादा चिल्लाना पड़ा है कल से हमें मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा आज आपके दिमाग में घुसाने के लिए चिल्लाना पड़ा है ठीक है मिलते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच अच्छे से रहिएगा बाबू ठीक है थैंक यू बाबू थैंक यू